ब्राह्मण की गौ श्रम और तप से उत्पन्न हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई और सत्य के आश्रय पर ही रही है। सत्य से आच्छादित, श्री से भरी हुई और यश से घिरी हुई है। अपनी धारणा से सुरक्षित हुई है। श्रद्धा भक्ति से युक्त, दीक्षा व्रत से सुरक्षित हुई, यज्ञ में प्रतिष्ठित हुई और इस लोक में आश्रय को प्राप्त हुई है। जो ज्ञान रूप पद समूह है उसका स्वामी ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण की गौ को लेने वाले ब्राह्मण नाश करने वाले क्षत्रिय की सत्य वीरवती पुण्यमयी लक्ष्मी दूर होती है। वो जो तेज सहन सामर्थ बल वाणी इंद्रिया शक्ति शोभा धर्म ज्ञान शौर्य राष्ट्र प्रजा तेज यश पराक्रम धन आयु रूप नाम कीर्ति प्राण अपान चशु स्रोत दूध रस अन्य खाद पदार्थ ऋतु सत्य इष्ट वस्तु पूर्णता प्रजा पशु ये सब 34 पदार्थ ब्राह्मण की गौ को छीनने वाले और ब्राह्मण का नाश करने वाले क्षत्रिय के दूर होते हैं। वो ये ब्राह्मण की गौ भयानक है। ये विषैली और साक्षात घात करने वाले विनाशक पदार्थ से व्याप्त है। इसमें सब भयंकरता है, इसमें सब मृत्यु है, इसमें सब क्रूरता है, सब पुरुषों के वध हैं। ये ब्राह्मण की गौ पकड़ी जाने पर ब्राह्मण घाती देश शत्रु को मृत के पास में डालती है। वो शव का घात करने वाली हथियार ही है, वो ब्रह्म घातकी का विनाश ही है। इसलिए ही ज्ञानी को समझना चाहिए कि ब्राह्मण की गौ घर्षण करने के लिए कठिन है। वो जब दौड़ती है तब वज्र बनती है, जब उठती है तब वो आग जैसी होती है। खुरों से मारती हुई ये हथियार के समान है और देखते हुए महादेव के समान होती है। छुरों के समान तीक्ष्ण होती है और शब्द करने पर गर्जना करने के समान बनती है। हिंकार करने पर मृत्यु होती है और पूंछ ऊपर करने वाली उग्रदेव के समान भयंकर होती है। कान ऊपर करने पर सबका नाश करने वाली होती है और मूत्र करने पर क्षय रोग ही बनती है। दुष्टों द्वारा दुही जाती समय शास्त्र रूप होती है। दुही जाने वाली सिर पीड़ा स्वरूप बनती है। पास खड़ी होने पर विनाशक होती है और स्पर्श होने पर द्वंद्व युद्ध करने वाले शत्रु के समान होती है। मुख में बांधे जाने पर शेरों के समान और तंडित होने पर विनाशक होती है। बैठती हुई भयानक विश्व रूपी और बैठी होने पर साक्षात मृत्यु रूपी अंधकार के समान होती है। ब्राह्मण की गौ ब्राह्मण घाती के प्राणों का नाश करती है। गौ को काट देने पर बैर करती है और काट कर विभक्त करने पर पुत्र आदि को खाने वाली होती है। ले जाने पर देवों का वज्र बनती है और हरण होने पर विपत्ति बनती है। काबू में रखने पर पाप सादृश्य होती है और तिरस्कृत होने पर कठोरता बनती है। कष्टी होने पर विष होती है और सताने पर ज्वर के समान होती है। पकाने पर पाप रूप बनती है और पक जाने पर दुष्ट स्वप्न के समान दुखदायिनी बनती है। घुमाई जाने पर मूल का नाश करने वाली और परोशी हुई तो विनाशक बनती है। वो गंध से बेहोशी करती है, उठाई जाने पर शोक पैदा करती है और उठाई गई सांप के समान होती है। पास ली गई विपत्ति बनती है, पास रखी हुई पराभव स्वरूप है। पीसी जाते समय क्रोधित रुद्र के समान और पीसी हुई शुभ को नाश करने वाली होती है। खाई जाती हुई विपदा होती है और खाई जाने पर गिरावट बनती है। खाई हुई ब्राह्मण की गौ ब्राह्मण घातिकी को इस लोक से और परलोक से उखाड़ देती है। उसका वध घात करने वाला है, उसके टुकड़े करना वज्र घात समान है और उसका पक्व अन्न विनाशक होता है। वो ली जाने पर भी अपने पास नहीं रहती, अर्थात अपना घात करती है। ब्राह्मण की गौ मांस भक्षक आग बनकर ब्राह्मण घातकी में प्रवेश करके उसे खा जाती है। इसके सब अंगों और
मूलों को काट डालती है, इसके पिता के बंधुओं को छेदती है और माता के बंधुओं को परास्त करती है। क्षत्रिय के द्वारा पुनः वापस न दी गई ब्राह्मण की गौ क्षत्रिय के सब विवाहों और सब जात वालों का नाश करती है। इसे घर के बिना आश्रय रहित और प्रजा रहित करती है, सहायक से रहित होता है और नष्ट होता है। जो क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मण की गौ इस तरह छीनता है, उस दुष्ट के हनन होने पर गीध शीघ्र ही कोलाहल मचाते हैं। उसकी जलती चिता को देखकर बाल छोड़कर हाथों से छातियों पर मार मार कर बुरा शब्द करती हुई स्त्रियां इत अस्ततः नाचती हैं। उसके घरों में भेड़िया शीघ्र ही अपना शब्द करने लगती हैं, शीघ्र ही उसके विषय में पूछते हैं कि ये जैसा था क्या वही है। उसको काटो, काट डालो और टुकड़े करो, नाश करो, उसका नाश करो। अंग रस की शक्ति ब्राह्मण की गौ छीनने वाले घातकी का नाश करो। सब देवों की विनाशक शक्ति विनाशनी है ऐसा कहते हैं। तापदायक कष्ट करने वाली ये ब्राह्मण की वज्र रूप शक्ति है। तू छरु के समान तीक्ष्ण बनकर उसका मृत्यु करने के लिए दौड़। विनाश करने वाले का तेज इष्ट पूर्णता और आशीषों को तू छीनती है। हिंसक घात की पुरुष को पकड़कर परलोक में उसके घात के लिए तू देती है। हे अवध गौ, तू ब्राह्मण प्रशंसा से सबकी प्रतिष्ठा करने वाली हो। विनाशक शत्रु बन, पाप से पाप रूपी बन। हे अवध गौ, तू ब्रह्म घात की पाप देव निंदक अदानी पापी का सिर काट डाल। तेरे द्वारा मारा गया नष्ट भ्रष्ट हुए दुष्ट बुद्धि शत्रु को अग्नि जला दे। काट अधिक काट, अच्छी तरह से काट। जला अधिक जला, अच्छी तरह से जला। अहिंसनीय गौ देवी ब्रह्म घाती की को मशूल जला डाल। जैसा यम सदन ने परले पापी लोगों के प्रति वो जावे, इस तरह पापी देव शत्रु कंजूस ब्रह्म घात की मनुष्य का सिर और कंधे नौ नोक वाले छुर की समान धार वाले तीक्ष्ण वज्र से काट डाले। इसके लोम काट डाल, इसकी त्वचा को उधेड़, इसके मांस को काट डाल, उसके अश्न आयुओं को कुचल, इसकी हड्डियों को पीड़ा दे, इसकी मनसा को नाश कर, इसके सब पर्वों को अलग कर, इसको मांस भक्षक अग्नि पृथ्वी के बाहर निकाले और जला देवे। वायु बड़े भारी अंतरिक्ष से दूर करें, सूर्य इसे ध्रुव लोक से दूर कर देवे और जला देवे। गौ का महत्व। इस सूत्र में और अगले सूत्र में गौ का महत्व का वर्णन किया है। इस दृष्टि से ये दोनों सूतक मनन करने योग्य है। पहले ही मंत्र में कहा है कि मैं दान देता हूँ, ऐसा ही यजमान बोले। दान देने में संकोच ना हो, ना देने की और ना किसी प्रकार विचार ना हो, सदा उपकार करने का ही विचार मन में रहे। ब्राह्मण क्यों याचना करते हैं? ब्राह्मणों का घर एक गुरुकुल होता है, वहाँ अनेक छात्र होते हैं। उनका पोषण करना और उनको विद्या पढ़ाना उस ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। यज्ञ याग करना भी उसका कर्तव्य है। इस सब के लिए विद्वान ब्राह्मणों की गौ की आवश्यकता होती है। इस परोपकार और जगत उद्धार के कार्य के लिए ब्राह्मण लोग गौ की प्रार्थना करते हैं और अन्य लोग उनको मांगने पर भी सतपात्र ब्राह्मण देखकर गौदान करते हैं। गौदान तो ऐसे सतपात्र ब्राह्मण को स्वयं करना चाहिए जो ऐसा नहीं करते, परंतु मांगने पर भी नहीं देते। उनसे ना समझते हुए बड़ा सार्वजनिक पाप होता है। ब्राह्मणों को जिस राष्ट्र में मांगने की आवश्यकता होती है, अर्थात उनका सहायता की न्यूनता रहती है, उस राष्ट्र में बड़ा पाप होता है, क्योंकि सब ब्राह्मणों की विद्या प्रचार से ही राष्ट्र में संस्कृति और सामान्यता स्थिर रह सकती है। इस तरह विचार करने में विदित हुआ कि ब्राह्मणों के मांगने पर भी ना देना कितना राष्ट्रीय पतन का हेतु हो सकता है। दान का अधिकारी ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण मांगने
का भी अधिकारी नहीं है और गौ की दान लेने का भी अधिकारी नहीं है। उस विषय में वेदन अस्पष्ट दान के अधिकारी ब्राह्मण का जो लक्षण है बताया गया है। सैकड़ों ब्राह्मण लोग गौ का याचना करते हैं, परंतु उनमें केवल विद्वान को ही गौ देनी चाहिए। ये वेद का आदेश सदा स्मरणीय रखने योग्य है। जो चाहे सो ब्राह्मण दान का अधिकारी नहीं है। जो विद्वान ब्राह्मण होगा वही दान लेने का अधिकारी होगा। यहाँ वेद ने ब्राह्मण जाति का पक्षपात नहीं किया। केवल विद्वान तत्वज्ञानी आचार्य संपन्न ब्राह्मण जो कि अपने अध्ययन अध्यापन में मग्न रहते हैं, जिनसे अपने लिए धन कमाने का व्यवसाय नहीं हो सकता, जो कि अपना जीवन ज्ञान वृद्धि के लिए लगाए हुए हैं, जिनसे सत्संग में रहते हुए अनेक छात्र कृत कृतज्ञ हो रहे हैं, ऐसे सुयोग विद्वान को ही गौ का दान देनी चाहिए। ये आदेश सब दानों के लिए है और गौ का दान के लिए विशेष ही है। यहाँ पाठकों को विदित हुआ कि ऐसे ब्राह्मण को ही गौ पर अधिकार है और ऐसा ही अधिकार है, ये बात देवों ने स्वयं कही है। अतः इसमें कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। मंत्र 2 और 3 में ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को गौ ना देने की कैसी दुर्गति होती है ये बात कही है। विद्वान ब्राह्मण राष्ट्र में ना रहे तो ज्ञान वृद्धि नहीं होगी और राष्ट्र में ज्ञान ना रहा तो सब प्रकार की उन्नति होना असंभव है, ये बात स्पष्ट हो सकती है। 4थे मंत्र में विलोहित ज्वर और 5वें मंत्र में बिलुकुंद नामक रोग का वर्णन है। गौ जिसे मुख से सूंघती है उसे ये रोग हो जाता है और वो मरता है। इस लक्षण से ये रोग कौन सा है इसका पता आजकल के वैद्य भी लगा सकते हैं। वैद्य और पशु डॉक्टर की खोज करें। 6थे मंत्र में कहा है कि कई लोग गौ के शरीर पर चिन्ह करने की इच्छा से कान अथवा किसी अन्य भाग पर चिन्ह करते हैं। ये भी लोगों की परिपाटी बहुत बुरी है, क्योंकि इससे भी गौ को बड़े कलेश होते हैं। गौ को ऐसे कलेश देना योग्य नहीं है। गौ को ऐसी उत्तमता से रखनी चाहिए कि उसको किसी प्रकार भी कोई कष्ट ना हो और आनंद प्रसन्न रहे। ऐसा आनंद प्रसन्न गौ रहेगी तो उसके सब गुण प्रकट होते हैं और वही गौ उत्तम गोरस देती है, जो कि मनुष्य मात्र के लिए हितकारी हो सकता है। गौ की रक्षा। कई लोग गौ के बाल काटते हैं, ऐसा करना भी उचित नहीं है। ऐसा 7वें मंत्र में कहा है। 8वें मंत्र में गौ की रक्षा करने के संबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। ग्वालिये गौ को लेकर गोचर भूमि में जाते हैं और गौ को चरने के लिए छोड़ देते हैं और स्वयं इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसी दशा में कौवे गौ के पीछे पड़कर उनको सताते हैं। ऐसा ना हो ये सूचना मंत्र 8 में है। ग्वालिया गौ की योग रक्षा करे, कौवे आदि से गौ को पीड़ा तो नहीं होती, इस विषय में सावधानता रखें। रघुवंश में दिलीप राजा जैसी वशिष्ठ की गौ की रक्षा करता था, वैसी रक्षा हर एक गौ रक्षक करें। कोई जीव जंतु गौ को पीड़ा न देवे, ऐसी रक्षा करने वाले ही सुयोग गौ रक्षा कहलावेगा। गोबर और मूत्र। 9वें मंत्र में गौ का गोबर और मूत्र इधर उधर ना फेंकने की आज्ञा कही है। किसी विशेष स्थान में उनको अर्थात गोबर को और मूत्र को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि ये उत्तम खाद है जिससे धान फल फूल साग आदि उत्तम पैदा हो सकती है। इधर उधर नौकरानी फेंक देगी और उससे बड़ी हानि होगी। ऐसी अवस्था किसी भी गृहस्थी के घर में ना हो, इसलिए ये आज्ञा दी है। गोबर और मूत्र इधर उधर फेंक देना पाप है, ये पतन का हेतु है, ये पाप कोई ना करे। आगे 10वें में द्वादशा के मंत्रों में फिर कहा है कि ये गौ विद्वान सुयोग सदाचारी ब्राह्मण की होती है। ऋषि प्रणाली के अनुसार आचरण करने वाले को ही इसका दान करना चाहिए। 13वें मंत्र में कहा है कि जो भोग पदार्थ गौ से प्राप्त होता है उसका विचार दाता गौ का दान करने के समय ना करें, क्योंकि उसको वो भोग अन्य रीति से भी प्राप्त होता है। यदि कोई दाता दान देने के समय में ये विचार लावे कि
अरे रे रे, मुझे तो इससे ये भोग मिलेगा और मैं इस भोग से ऐसे सुख प्राप्त करूंगा। इसका दान करने से मुझे ये दुख उठाने पड़ेंगे। कोई दाता ऐसे कंजूसी के विचार मन में ना लावे। इस प्रकार विचार मन में लाने से दान का सब महत्व नष्ट हो जाएगा। दान से जो उसकी उच्चता होती है वो इस प्रकार के विचार से समूल दूर होगी। 16वें मंत्र में फिर कहा है कि गौ तो ऐसे सापात्र ब्राह्मणों का ही धन है। गौ के स्वामी के पास तो वो 3 वर्ष पर्याप्त रहे, उसके पश्चात वो सुविद्ध सतपात्र ब्राह्मण को दी जाए। योग्य ब्राह्मण प्रार्थना करने के लिए ना आवे तो वैसे ब्राह्मण को ढूंढना चाहिए, परंतु कभी अयोग्य को दान देना नहीं। आगे 21वें मंत्र तक दान का ही महत्व वर्णन किया है। 22वें मंत्र में विद्वान ब्राह्मण को गौ का दान करना चाहिए ये बात फिर कही है। सैकड़ों अविद्वान मांगे तो उनको देनी नहीं चाहिए, केवल विद्वान ही दान लेने का अधिकारी है। ये बात हर एक दान देने वाले को स्मरण रखनी चाहिए। इस तरह दान देते रहेंगे तो जगत का उद्धार होगा। कुपात्र में दिए दान ही अधोगति करने वाले होते हैं। आगे 23वें मंत्र में विशेष ही बल से कहा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसे विद्वान को दान न देकर अन्य अविद्वानों को देगा तो उसको बड़ा दुख होगा। आगे के 3 मंत्रों में कहा है कि ब्राह्मण अग्नि आदि देवताओं के उद्देश्य से गौ को घृत दुग्ध आदि की आहुतियाँ देते हैं और देवताओं का संतोष करते हैं, इसलिए उनको गौ दान करना चाहिए। यदि दान न किया तो यजमान को बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। आगे 32वें मंत्र में यही विषय कहा है। क्षत्रिय की माता 33वें मंत्र में कहा है कि गौ क्षत्रिय की माता है, इसलिए क्षत्रिय को उचित है कि वो गौ को माता मानकर उसका सत्कार यथा योग करें। गौ की यदि कोई मनुष्य कष्ट देवे तो क्षत्रिय अपनी माता को कष्ट देने वाला समझकर यथा योग दंड देवे। आगे 53वें मंत्र में अर्थात सूतक की समाप्ति तक गौ का दान सुयोग्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। दान न देने का भाव कोई भी मन में न धारण करे। दान देने से कल्याण, न देने से दुख होता है, यहाँ वर्णन है। इन मंत्रों में कई स्थानों पर पौदान न देकर जो स्वयं अपने लिए गौ को पकाता है, ऐसे वाक्य जिनको वेद की भाषा का परिचय नहीं है वे इससे ऐसा अनुमान करेंगे कि गौ को पकाना अर्थात गोमांस पकाना ही यहाँ अभीष्ट है। जो लोग ऐसा विचार मन में रखेंगे उनके विकल्प निराश के लिए यहाँ थोड़ा सा लिखने की आवश्यकता है। वेद में लुप्त तदित शब्द प्रयोग होते हैं जिससे गौ शब्द गौ से उत्पन्न हुए पदार्थों का वाचक होता है, अर्थात वसा पचित का अर्थ गौ से उत्पन्न दूध घृत दही छाछ आदि पकाता है, गौ दुग्ध से किया प्यास तैयार करता है ऐसा है। इसी प्रकार गौ या वश के अर्थ जैसे दूध दही छाछ घृत आदि पदार्थ हैं, वैसे ही इस शब्द के अर्थ मांस रक्त हड्डी चमड़ा बाल गोबर गोमूत्र आदि भी हमारे विचार से दूध दही छाछ घृत आदि अर्थ ही यहाँ लेना चाहिए। पाठक इसका विचार करें और इन मंत्रों का आशय समझें। इस 5वें अनुवाक में 7वां पर्याय और 73वां मंत्र है। इस संपूर्ण सूतक में गौ की महिमा कही है और ब्राह्मण की गौ कोई ना छीने, ब्राह्मणों को गौ दान दी जावे। जो ब्राह्मणों अर्थात विद्वान ब्राह्मणों को सताते हैं उनकी गौ चुरा कर ले जाते हैं, उनके सर्वस्व का नाश होता है इत्यादि वर्णन है। विषय यही होने से इस सूतक का विशेष स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। जो पाठक मंत्र का अर्थ पढ़ेंगे उनकी समझ में उनका आशय सहज ही आ सकता है। वर्णन कभी कल्पना से पूर्ण है और उसी दृष्टि से ये सूतक देखना चाहिए। अध्यात्म प्रकरण। प्रत्येक आत्मा अभ्युदय और निश्रेष प्राप्त करे। प्रत्येक मनुष्य राष्ट्र की उन्नति के साथ अपनी उन्नति करे, अपने राष्ट्र पर प्रेम करे और उसकी उन्नति करने का प्रयत्न करे। इस सूर्यदेव ने इस जगत की उत्पत्ति की है,
वही तुम्हें राष्ट्रीय उन्नति करने के लिए हष्ट पुष्ट करेगा। मनुष्य का सामर्थ्य वही है जो आपके प्राण में विद्यमान है। उस सामर्थ्य से युक्त होकर अपनी सजातीय प्रजा में अर्थात अपने राष्ट्र में रहकर अभ्युदय प्राप्त करना चाहिए। यहाँ अपने राष्ट्र में रहकर वनस्पतियाँ, जल स्थान, औषधियाँ, गौएं और अनेक दुपाद अथवा चतुष्पाद पशुओं का धारण करें। सब लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा अपने उग्र शौर्य से करें। मातृभूमि के शत्रुओं का नाश करें। मन में उदारता युक्त दातृत्व का भाव धारण करें। जो वीर मरने तक लड़ने वाले होते हैं वही उत्तम आनंद देने वाले होते हैं। ये सूर्य उदय का प्राप्त हुआ है, मानो ये अपनी माता की गोद में बैठा है। इस समय मानो छह दिशाओं ने उस गर्भ का धारण किया है। ये गर्भ आगे उन्नत होता है, स्वयं उन्नति का मार्ग जानता है और राष्ट्र को भी उक्त करता है। इस सूर्य देव ने ही तेरे राष्ट्र को उच्च स्थिति में लाया है। उसी ने शत्रुओं को दूर किया और तुझे निर्भय किया। इस राष्ट्र में रहने वाले के लिए इस भूमि में धन और शक्तियाँ पर्याप्त है। इस सूर्य देव ने दुर्लोक और पृथ्वी लोक को बनाया है। यहाँ परमात्मा ने सूत्र रूप आत्मा को फैलाया है। वहाँ जीव आत्मा ने आश्रय लिया है। उसी ने अपने बल से इस पृथ्वी को सुदृढ़ बनाया है। सूर्य देव ने ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुर्लोक को सुदृढ़ बनाया है। उसी से सब देवों को अमरत्व प्राप्त हुआ है। सूर्य के कारण ही सब जगत को सुंदर रूप मिला है। वो अपनी महिमा से स्वर्ग लोक पर चढ़कर इस राष्ट्र को दूध और घी से भरपूर करता है। जो अनेक मार्ग स्वर्ग धाम को प्राप्त करने के हैं उनके ज्ञान से तथा घृत दुग्ध आदि से हष्ट पुष्ट होते हुए इस राष्ट्र को और इस प्रजा में सतत जागृत रहो। सूर्य से ही ये सब प्रजाजन, सब प्राणी मात्र उत्पन्न हो गए हैं। ये सब प्राण रक्षण के प्रयत्न में सदा दत्तचित्त रहते हैं। ये सब कि सब प्रजाएं उत्तम शिव संकल्प युक्त मन से ईश्वर में आश्रय लेकर रहें। माता और पुत्र मिलकर उन्नति को प्राप्त हों। ये सदा तरुण सब देखने वाले सूर्य सब के रूपों को प्रकाशित करता हुआ दुर्लोक में रहा है। सब अपने प्रखर तेज के साथ प्रकाशिता हैं और तीसरे लोक में रहकर सबका प्रिय करता है। यही सूर्य अग्नि है जिसमें ग्रत और सोम की आहुतियाँ होमी जाती हैं। ये मेरा कभी त्याग ना करे और मैं उसका कभी त्याग ना करूँ। इससे हमारी गौएं तथा संतानें हष्ट पुष्ट हों। इसी सूर्य से यज्ञ बने हैं। यज्ञ में अग्नि रूप यही मुख्य है। हवन करने के समय वाणी, कान और मन का साथ उपयोग होना चाहिए। शुभ संकल्प करने वाले सब इसी को प्राप्त होते हैं। ये मुझ पर कृपा करें और सभाओं द्वारा जो मानवीय उन्नति होना संभव है वो मुझे प्राप्त करावें। सूर्यदेव के द्वारा ही तुम सब शुभ कर्म को स्रोत रूप यज्ञ बना है। इससे जो सामर्थ्य प्राप्त होता है वो सब मुझे प्राप्त हो। इस सब संसार के मध्य में महत्व की दृष्टि से यही मुख्य है। बृहती, पंक्ति, काकू, उष्णिक, पृष्ठकार आदि सब उसी एक देव का वर्णन कर रहे हैं, मानो वो इनमें रहा है। यह एक देव पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुर्लोक के अंदर विद्यमान है। ये दुर्लोक के उच्च स्थान पर रहता हुआ सब में व्यापता है। हे वाणी के स्वामी, हमारे लिए पृथ्वी, घर, बिछौना आदि सब पदार्थ सुखदायक हों। हम में प्राण दीर्घ काल तक रहे और हमें वो दीर्घ आयु और तेज के साथ प्राप्त हो। जो विविध कर्म करने वाले ऋतु हैं वे हमें सहायक हों। उनमें हमें दीर्घ आयु और तेज खिता प्राप्त हो। हमारा मन शुभ संकल्प करने वाला बने। हमारी गौशाला में विपुल गौएं और घर में वीर संतान हो। मैं परमात्मा का धारण दीर्घ आयु और तेजस्विता के साथ करता हूँ। सब देव हमें सहायक हों, सब शत्रु परास्त हों और ये हमारा राष्ट्र आनंद प्रसन्नता से युक्त हो। सूर्य से विविध रंग वाली किरणें सूर्य तत्व को यहाँ तक लाती हैं जिससे हमें प्रकाश मिलता है।
सूर्य प्रकाश में बढ़ने की शक्ति है। उससे हमें अनेक प्रकार के अन्न और बल प्राप्त होते हैं। सूर्य ही इस अभ्युदय शक्ति का घर है। सब विविध रंग वाली किरणों से वो शक्ति फैलती है। ज्ञानी लोग विशेष दक्षता से उसी को अपने अंदर धारण करते हैं। ये प्रकाशमान अभ्युदय अमर शक्ति से युक्त सूर्य किरण सदा सुखदायक है। इन पुष्टिकारक किरणों से युक्त सूर्य इस दुर्योग से प्रकाशिता है। ये तीक्ष्ण किरण वाला बलवान सूर्य चारों ओर घूमकर सब जगत के पदार्थों को धारण करता है। सूर्य उदय होने पर प्रकाश के मध्य तक ऊपर चढ़ता है और वहाँ से सबके ऊपर प्रकाशता है। उत्तम दूध और घी देने वाली गौएं पाली जाएं, उनके दूध घी का यज्ञ में हवन किया जावे, दही दूध आदि के साथ सोम रस पिया जावे, इससे सबका कल्याण हो और ये यज्ञ द्वारा उपासना सबका भला करे। अग्नि में घी का हवन हो, अग्नि उपासना से समाज की संघटना हो और सब मिलकर अपने शत्रुओं को दूर भगा देवें। यदि बाहर का शत्रु सेना लेकर अपने ऊपर आएगा तो वीर लोग उसको परास्त करके भगा देवें। अपने अंदर के जो शत्रु होंगे उनको भी वश में रखना चाहिए, कोई शत्रु सिर ऊपर ना कर सके। परमेश्वर कृपा करे और हमारे शत्रुओं का बल कम हो, शत्रु नीच स्थान में भाग जावें। सूर्य बल वर्धक बुद्धि वर्धक है, उसी का बच्चा अग्नि है। अग्नि में घी के हवन करने से उसकी पूजा होती है। सूर्य स्वयं ब्रह्म का सादृश्य रूप है और वही ब्रह्म नाम मंत्र से स्तुतियों द्वारा बढ़ाया जाता है। स्वर्ग पृथ्वी राष्ट्र धन प्रजा अमरपन आदि विषय में प्रगति संपादन करना चाहिए। इस कार्य करने का बल प्राप्त करना हो तो सूर्य प्रकाश से अपने शरीर का संबंध जोड़ दो, जिससे विलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त कार्य सिद्ध होगा। राष्ट्र का भरण पोषण करने वाले देव सूर्य की उपासना करते हैं, इसलिए सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, वह बल प्राप्त करते हैं, मन सुसंस्कृत करते हैं, राष्ट्र धारण करने योग्य बनते हैं। सूर्य उदय होते ही मंत्र घोष और यज्ञ प्रारंभ होते हैं। सूर्य किरण सर्वत्र फैलते हैं और समुद्र तक सब भूमि पर प्रकाश होता है। धन गौएं और ऐश्वर्य सूर्य से संबंधित हैं, इसके हजारों प्रकार हैं। उन सबका मध्य केंद्र सूर्य ही है। दिशा उपदिशा पशु प्रजाजन भूम आदि सबका यश केवल सूर्य है। सूर्य को आदर्श मानकर सब लोग सूर्य के समान सुंदर बने। सूर्य दूर दूर को भी देखता है, दुर्लोक में रहता हुआ सर्वत्र प्रकाशता है। सूर्य सब अन्य प्रकाश केंद्रों को भी प्रकाशित करता है, उसके उदय से अग्नि प्रादीप्त होता है। ज्ञानी लोग सूर्य को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ये गौ अपने दूर के पद से पास वाले और पास वाले पद से दूर बच्चे को धारण पोषण करती है। ये कहाँ से अगाई की आधे भाग के पास पहुँचती है, कहाँ प्रसूत होती है, इसको जानना चाहिए। वो इस संघ में तो नहीं रहती। वो वाणी रूप गौ अर्थार्थ काव्यमयी वाणी को 2, 4, 8 अथवा 9 पद वाले छंदों में विभक्त हुई है। ये अनेक प्रकार की और हजार अक्षरों तक इसकी मर्यादा है। मानो ये सब गुणों को पूर्ण करने वाली है और इससे विविध काव्य रस स्रोतवते हैं। सूर्यवाणी का रक्षक है, आकाश में चढ़कर सबको सामर्थ्य देता है। सब यज्ञ उसी का महिमा बढ़ाते हैं, उसके किरण उसको सब जगत में पहुंचाते हैं। सूर्य का दुर्लोक में स्थान, उसका महत्व ये सब ज्ञानी लोग जानते हैं। सूर्य दुर्लोक आकाश पृथ्वी आप आदि को देखता है। सूर्य ही सबका प्रकाशक है, वो पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित करता है। इस यज्ञ का प्रारंभ भूमि रूपी वेदी पर हुआ है। इसकी परिधियां बड़ी विस्तृत हैं। शीतकाल और उष्णकाल ये दो अग्नि इस यज्ञ में हैं। शीत और उष्ण ऋतु बनाकर पर्वतों का रूप बनाकर वर्षा रूप घृत को प्राप्त करने वाले ये दोनों अग्नि आत्मयज्ञ रोहित देव के लिए यज्ञ करते हैं।
आत्मज्ञानी सूर्य के मंत्रों से अग्नि प्रादीप्त किया जाता है, उससे उष्ण, उससे सर्दी और उससे यज्ञ होता है। ज्ञान से बढ़ने वाले मंत्र के साथ प्रादीप्त होने वाले मंत्र से हवन किए गए दो अग्नि हैं। आत्मज्ञानी सूर्य के प्रकाश में मंत्र से प्रज्वलित हुए ये दो अग्नि प्रादीप्त होते हैं, एक सत्य में स्थिर है, दूसरा जल में प्रादीप्त होता है। आत्मज्ञानी सूर्य के प्रकाश में ये मंत्र से प्रादीप्त हुए दोनों अग्नि प्रादीप्त होते हैं। वायु, इंद्र और ब्राह्मण बृहस्पति ये जिसके लिए प्रकाश फैला रहे हैं, उस आत्मज्ञानी सूर्य देव के लिए ये अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं। भूमि की वेदी बनाकर द्रुलोक की दक्षिणा करके उष्ण ऋतु को वहाँ का अग्नि करके वृष्टि रूप घी से सूर्य ने सब जगत को आत्मवान बना दिया है। वृष्टि को घी, उष्ण को अग्नि, भूमि को वेदी बनाया गया है। वहाँ अग्नि के शब्दों से इन पर्वतों को ऊंचा बना दिया है। पर्वत यूप बनाए गए हैं। वृष्टि घी का कार्य करने लगी और मंत्र पाठ पूर्वक ये यज्ञ प्रारंभ हुआ। इसमें वायु बृहस्पति होकर कार्य करने लगी। स्वर्ग की दक्षिणा याजकों के लिए रखी गई। इस यज्ञ से सब में आत्मिक बल आगाया। जो भूत, भविष्य और वर्तमान है वो सब इसी से संबंधित है। यही यज्ञ भूत भविष्य के लिए आदर्श हुआ है। इसी यज्ञ से सब कुछ बना है। जो गाय को लात मारता है, सूर्य के सन्मुख मूत्र आदि मल त्याग करता है, वो दंडनीय है। जो अपनी छाया में दूसरे को रखता है, अग्नि तथा सूर्य और उपासक के बीच खड़ा रहता है, वो भी दंडनीय है। हम अपना शुद्ध मार्ग कभी ना छोड़े, यज्ञ से दूर ना रहें, हमारे शत्रु कभी प्रबल ना हों। ये जो यज्ञ सब देवों का देव तत्व का लक्षण होकर रहा है, वो हम सब में रहे। सूर्य से वृष्टि होती है, ये बड़ा वृत्ति है, मनुष्य का निरीक्षण करता है, पृथ्वी आदि का धारण करता है। इसके उदय होने पर चारों ओर स्वच्छ प्रकाश होता है। ये सूर्य अपने प्रकाश से दशा दिशाओं को प्रकाशित करता है, अंतरिक्ष में संचार करता है। ये सब भूना की रक्षा करने वाला है, इसकी स्तुति करना योग्य है। जो पूर्व दिशा में उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है, जो अपने प्रकाश से दिन और अप्रकाश से रात्रि निर्माण करता है, उसका महिमा बड़ा है, वही संसार में बड़ा प्रभावशाली है। सात तेजस्वी किरणें सूर्य का प्रकाश प्रभाव युक्त बनाती हैं। ज्ञानी लोग इसका महत्व जानते हैं। ये सूर्य दूरलोक में चढ़कर सर्वत्र अपना तेज फैलाता है। तू चारों ओर प्रकाश को फैलाता है, तेरी किरणें शीघ्र गति वाला है, तेरे प्रकाश से सबका कल्याण होता है। तू दूरलोक और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ दिन और रात्रि को निर्माण करता है। तेरा रथ कल्याण रूप है, इसी से तू उदय से अस्त तक आक्रमण करता है। सात किरणें और अनंत प्रकाश तेरा प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तेरा रथ तेजस्वी, सुखदायी, गतिमान, बलवान है, उसकी किरणें तेरा प्रभाव बढ़ा रही हैं। सूर्य अपने चमकने वाली किरणों के साथ अपने रथ में विराजता है। ये प्रकाशमान देव अंधकार को दूर करके उसको दूर भगा देता है। ये दुर्लोक में विराजता है। सूर्य उदय होता है, उससे अंधकार दूर होता है, उसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। सूर्य उदय होने पर सबका प्रकाश फैलता है। समुद्र तक के संपूर्ण भूमि पर सब लोग यज्ञ कर्म शुरू करते हैं। इस तरह सब जगत दीप्यमान होता है। संसार रूपी घर के छोटे बड़े बालक अपनी शक्ति से खेलते हुए समुद्र तक पुरुषार्थ करते हुए जाते हैं। उनमें से एक जगत को प्रकाशित करता हुआ और दूसरा ऋतुओं को बनाता है। इसी तरह सब गृहस्थों के पुत्र अपने पुरुषार्थ से जगत को प्रकाशित करते हैं। सूर्य महीने बनाने के लिए दुर्लोक में प्रकाशित होता है। वो प्रकाशता है, सबका धारण भी करता है। जैसे बच्चा माता पिताओं को प्राप्त करता है, वैसा ही सूर्य उदय और अस्त के प्रांत को प्राप्त होता है। इसका सब तत्व अब देव यथावत जानते हैं। जो समुद्र में रत्न आदि है वो सूर्य प्राप्त करता है।
इस सूर्य का ये पूर्व में पश्चिम तक का मार्ग बड़ा भारी है। वो अपने मार्ग को शीघ्रता से समाप्त करता है, अपना मन इधर उधर होने नहीं देता। इस कारण उसको अमृतान का भाग नियम से प्राप्त होता है। सूर्यदेव की किरणें संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने के लिए ही प्रकाशती हैं और उसको उच्च भाग में धारण करती हैं। जैसे चोर स्वामी के आने से भाग जाते हैं, वैसे ही सूर्य के आने से सब नक्षत्र भाग जाते हैं और सूर्यदेव के स्थान खुला छोड़ देते हैं। चमकने वाली अग्नि के समान इसके किरण अत्यंत तेजस्वी और प्रकाश को देने वाले हैं। सूर्य तेजस्वी है, तारक है, सब को रूप देने वाला है, कांति को फैलाने वाला है। उसी में सब जगत तेजस्वी होता है। दैवी और मानवी प्रजाओं के हितार्थ ये सूर्य उदित होता है। सब विश्व को ये तेज का मार्ग दर्शाता है। सूर्य जिस प्रेममय नेत्र से पुरुषार्थी मनुष्य को देखता है, उसी नेत्र से वो मुझे देखे, अर्थात वो मुझ पर प्रेम करे। सूर्य अंतरिक्ष लोक में संचार करता हुआ और सब लोगों के व्यवहारों का निरीक्षण करता हुआ, दिन और रात्रि का विभाग करता हुआ धुरलोक में विराजता है। सूर्य की सात किरणें उसको रथ में चलाती हैं। ये पवित्र किरणों वाला और ज्ञानी है। ज्ञानमय सूर्य के रथ में सात किरणें जोड़ी हैं। ये शुद्धता करने वाले हैं। वे अपनी योजनाओं से चलते हैं। प्रकाशमान सूर्य दुर्लोक में आरूढ़ होकर पश्चात अपने स्थान में पहुंचता है और फिर उदय को प्राप्त होता है। इस तरह वो सब अन्य देवों का अधिपत हुआ है, सब प्राणियों को रूप देने वाला है। इसका मुख्य सर्वर्त है, वैसे ही हाथ और भुजाएं सर्वर्त हैं। वो अपने हाथों द्वारा सबका पोषण करता है। ये एक ही देव पृथ्वी से दुर्लोक तक के सब पदार्थ मात्र को उत्पन्न करता है। ये एक पांव वाला होने पर भी अनेक पांव वाले से आगे बढ़ता है। सब अनेक पांव वाले इसी एक पांव वाले के आश्रय से रहते हैं। ये आलस्य छोड़कर सदा कर्तव्य में तत्पर रहता है। ये प्रकाश और अंधेरा उत्पन्न करता है। ये किरणों से सबको प्रभावित करके उच्च स्थान में विराजता है। सूर्य सबसे बड़ा है, उसकी महिमा भी बहुत बड़ी है। ये सूर्य पृथ्वी जल अंतरिक्ष तथा दुर्लोक को प्रकाशिता है। पृथ्वी और अंतरिक्ष ये दोनों जल स्थानों में अपना प्रकाश फैलाता है। यही सब में अधिक सामर्थ्यशाली है। ये शीघ्रगामी देखने वाला संचालक, शुद्ध मार्ग का दर्शक, वहाँ से यहाँ तक सब विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। ये विलक्षण सामर्थ्यशाली इस त्रिलोकी को प्रकाशित करता है। ये दिन और रात को निर्माण करके सब में पराक्रम शक्ति को समर्पित करता है। ये तेजस्वी और तीखा सूर्य पर्याप्त गति से युक्त और सदा उच्च स्थान में विराजने वाला पक्षी के समान आकाश में संचार करता हुआ सब दिशाओं को तेज देता हुआ ठहरता है। ये देवों के आगमन की सूचना देता है। ये विचित्र अद्भुत बल से युक्त है। ये जब उदय को प्राप्त होता है, तब सब स्थान का अंधेरा दूर करके सर्वत्र प्रकाश करता है। ये सब देवों का बल और सबकी आँख ही है। ये अपने प्रकाश से विश्व को भर देता है। यही सूर्य मानो सब स्थावर जगम जगत का आत्मा है। ये शीघ्रगामी पक्षी के समान आकाश में तैरता है। इसका विलक्षण तेज है जो हम देखते हैं। जो इस तेज का स्वीकार करना चाहे, उसको ये प्राप्त हो सकता है। आकाश के पृष्ठ भाग पर दौड़ने वाले पक्षी के समान ये सूर्य है। मैं दुखों से पीड़ित होकर भयभीत हुआ इसकी प्रार्थना करता हूँ कि ये हमें दीर्घ आयु देवे और हमें सुरक्षित रखे। इस तेजस्वी सूर्य किरण सब ओर हजार दिन तक प्रवास करते हुए दूरी तक जाते हैं। यही सब देवों का आधार है। ये सब का निरीक्षण करता हुआ चलता है। ये सूर्य काल प्रजा काल तक तेज यज्ञ और लोक को बनाता है। यही अपने प्रकाश से सब जगत को परिपूर्ण करता है। ये यदुलोक का स्वामी सर्वत्र संचार करके सब जगत की रक्षा करता है।
आलस्य छोड़कर सामर्थ्य और तेजस्वी ये सूर्य सबसे ऊंचे स्थान पर आरूढ़ होता है। अंधकार और प्रकाश इसी से उत्पन्न होते हैं। जहाँ तक लोक है वहाँ तक इसका प्रकाश फैलता है। ये सूर्य दिन और रात बनाता है। जिस समय ये जिस भूभाग के सन्मुख होता है वहाँ दिन होता है और दूसरे भूभाग में रात्रि होती है। इस अंतरिक्ष लोक में विराजमान तेजस्वी सूर्य की हम स्तुति करते हैं। ये हमें मार्गदर्शक होवे। ये सूर्य सामर्थ्यशाली है, दुखी मनुष्य को यहाँ सुख का मार्ग बताता है। ये विश्व पर इसकी प्रभुता है। ये वर्णन वो सुने, इसकी महिमा पृथ्वी अंतरिक्ष और दुर्लोक में फैलती है। जनता ने जो समाधियाँ होमी थी उनमें यह अग्नि प्रादीप्त हुआ। जैसी गौ प्रातःकाल जागती है वैसा ये अग्नि जग उठता है। जैसे पौधे अपने शाखाओं को ऊपर आकाश में फैलाते हैं वैसे ही अग्नि की ज्वालाएं सीधी ऊपर जाती हैं और प्रकाश में फैलती हैं। जिस परमात्मा ने ये संपूर्ण जगत का निर्माण किया है और जो उसके अंदर व्याप कर रहता है, जिसके अंदर से ये सूर्य से प्रकाशित होने वाली ये सब दिशा और उपदिशाएं रहती हैं, ये विश्व अधिपत परमात्मा उस पर बड़ा क्रुद्ध होता है। जो ज्ञानी मनुष्य को कष्ट देता है उसको कंपायमान करता है, छीण बल करता है और अंत में बंधन में डाल देता है। जिसकी प्रेरणा से वायु और जल प्रवाह चल रहे हैं, जो सबको मारता और जीवित करता है, जिसकी जीवन शक्ति से सब प्राणी मात्र जीवित रहते हैं, जो प्राण से दहव्य पृथ्वी को तृप्त करके अपान से समुद्र को परिपूर्ण करता है, जिसमें अग्नि आदि सब देव पंक्ति बांध कर रहते हैं, जिसमें सब दिशाएं सब जल प्रवाह यज्ञ के सब विविध ज्ञान आश्रित हुए हैं, जो क्रुद्ध होकर अपने आँख से सबका निरीक्षण करता है, जो एकमात्र सबका भक्षक है तथा जो अन्न और ज्ञान सबको देता है, जो सबका एकमात्र स्वामी था और रहेगा, जो रात दिन महीना और वर्ष रूपी काल चक्र निर्माण करता है, जिसके किरण पृथ्वी पर जल लेकर आकाश में उड़ते हैं और वहाँ मेघ मंडल में बारंबार प्रकाशित होते हैं, जिसका प्रकाश एकत्रित होकर सबको प्रकाशित करता है और जिसमें ये सब सूर्य रहते हैं। बृहत और रत्नांतर गान इसके आगे पीछे चलते हैं। ये दोनों यज्ञ के प्रबल पक्ष हैं, इनका गान होता है तब सूर्य देव उदय को प्राप्त होते हैं। वही वरुण अग्नि मित्र शबिता और इंद्र क्रमशः सायं प्रातः द्वितीय पहर और मध्य दिन में कहलाता है। जिसने ये जगत निर्माण किया वो देव यही है। जिसकी जड़ और शाखाएं हजार हैं वो जल में विराजमान हैं। तेजस्वी सूर्य को दुर्लोक में किरण प्रकाशित करते हैं, इसके ऊपर के किरण ये दुर्लोक को प्रकाशित करते हैं और इस ओर के किरण इस ओर प्रकाश देते हैं। एक चक्र वाले सूर्य रथ को सात किरण प्रकाशित करते हैं। एक के ही ये सात भाग हैं। इसका चक्र अजर अमर है और इसके आधार के सब भुवन रहते हैं। ये सब देवों का और बुद्धियों का उत्पादक और पालक है। ये प्रचंड अग्नि है और आठ प्रकार का होकर प्रकाशिता है। इसी से यज्ञ अखंड धागा फैलाया जाता है और अंतरिक्ष में रहकर सर्वत्र प्रकाशित होता है। ये यज्ञ का तंतु सब दिशाओं में फैल रहा है। ये गायत्री में अमृत के केंद्र हैं। अस्त उदय उषा दक्ष अंतरिक्ष ये सब तीन हैं। सबका जन्म तीन प्रकार का है। जन्मते ही पृथ्वी को प्रकाशित करता है और अंतरिक्ष में जलों को धरता है। अग्नि यज्ञों के साथ और सूर्य वृणों के साथ प्रकाशित होता है। प्रादीप्त अग्नि यज्ञ में और चमकने वाला सूर्य यदुलोक में प्रकाशिता है। जब देवों के द्वारा सूर्य का उदय हुआ तब वायु भी बह रहे थे। आत्मिक और शारीरिक बल देने वाला देव है, इसकी आज्ञा सब मानते हैं। सब दुपाद चतुष्पाद उसी को आज्ञा में रहते हैं। ये देव एक पाद वाला होने पर भी अनेक पांव वाले के आगे बढ़ता है। ये सबकी पूजा स्वीकारता हुआ सबको पंक्ति में रखकर उपासक बनाता है।
इस देवता का अपराध वो करता है जो ज्ञानी ब्राह्मण को सताता है और इस अपराधी को कांपता छीण करता और बंधन में डालता है। रात्रि व्यतीत होकर दिन हुआ और सूर्य उदय हो चुका है। वो उदय होते ही सबसे ऊपर चढ़ने लगा और अंत में द्वाई लोक में विराजमान होकर प्रकाशने लगा। वो सूर्य द्वलोक के पृष्ठ भाग पर प्रकाशता है और अपने तेज को प्राप्त करता है। उसने अपने किरणों से आकाश को भरपूर कर दिया है। ये बड़ा इंद्र तेज से आवृत होकर चलता है। वो धाता विधाता और वही वायु है जिसने आकाश ऊंचा बनाया है। वो आर्यमा वरुण रुद्र और महादेव है। वो अग्नि सूर्य और महायम भी वही है। उसके साथ एक मस्तक वाले 10 बछड़े संयुक्त होकर रहते हैं। पीछे से पूर्व दिशा में तेज फैलाता है जो उदय होता और प्रकाशता है। उसके साथ ये वायु गण छिक्के में धरे के समान चलता है। उसने किरणों से प्रकाश व्याप दिया है। ये महा इंद्र तेज से आवृत होकर चलता है। उसके ये 9 कोश विविध रूप से 9 प्रकार रखे हैं। वो प्रजाओं को देखता है जो प्राण धारण करते हैं और जो नहीं करते। वो ये इकट्ठा हुआ सामर्थ्य है। वो एक है, एकमात्र व्यापक देव केवल एक ही है। ये सब देव इसमें एक रूप होते हैं। जो इस देव को एकमात्र एक जानता है उसे कीर्ति यश अवकाश और ब्रह्म तेज अन्य और खान पान के सब भोग प्राप्त होते हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सत्यम अष्टम नवम दशम है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये सबको देखता है जो जीवित है और जो नहीं है। वो ये इकट्ठा हुआ सामर्थ्य है। वो एक है, एकमात्र व्यापक देव केवल एक ही है। ये सब देव इसमें एक रूप होते हैं। ब्रह्म ज्ञान तप कीर्ति यश जल अवकाश ब्रह्म तेज अन्न और खान पान के पदार्थ भूत भविष्य इंद्रा तेज कांति स्वर्ग और स्वाधा उसे प्राप्त होती है। जो इस देव को एकमात्र व्यापक देव जानता है वही मृत्यु है, वही अमृत है, वही महान है और वही रक्षक अथवा राक्षस है। वो रुद्र धन दान के समय धन प्राप्त करने वाला है और वही नमस्कार यज्ञ में उत्तम रीति से बोला गया वपष्टकार है। उसकी आज्ञा से ये सब राक्षस आदि रहते हैं। उसके वश में ये सब नक्षत्र चंद्रमा के साथ रहते हैं। वो निश्चय से एक दिन रात्रि अंतरिक्ष वायु यदु दिशा भूमि अग्नि जल त्वचा यज्ञ से हुआ वैसा ही उससे दिन रात्रि अंतरिक्ष वायु यदु दिशा भूम अग्नि जल त्वचा और यज्ञ हुआ। वो यज्ञ है, उसी का यज्ञ है। वो यज्ञ का सिर करने वाला है। वो गरजता है, वो चमकता है, वो पत्थर फेंकता है पापी के लिए, उत्तम पुरुष के लिए, असुर वृत्ति के लिए। जो औषधियाँ निर्माण करता है, जो वर्षा करता है, उत्तम कल्याण बुद्धि से जो तू जन्मे हुए को बढ़ाता है, हे इंद्र वो तेरा महिमा है। ये सब तेरे सैकड़ों शरीर हैं, ये सब तेरे करोड़ों तेरे साथ बंधे हैं और तू अरबों की संख्या में है। अमर से इंद्र बड़ा है, हे इंद्र तू मृत्यु से भी बड़ा है, शत्रुओं से भी बड़ा है। तू शक्ति का स्वामी है, तू व्यापक और स्वामी है, ऐसी हम तेरी उपासना करते हैं। हे दर्शनीय तेरे लिए नमस्कार है। हे शोभन तू मुझे देख, खान पान यश तेज और ब्रह्म वर्चस्व के साथ मुझे युक्त कर। जल पौरव महत्व और बल स्वरूप तेरी हम उपासना करते हैं। जल लाल बल और श्वेत सामर्थ्य रूप तेरी हम उपासना करते हैं। महान विस्तृत उत्तम होने वाला ज्ञान युक्त ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं। विस्तृत श्रेष्ठ व्यापक और स्थान दाता ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं।
धन युक्त इस धन से युक्त सब धनों का इकट्ठा करने वाला, सब धनों को पास करने वाला मानकर तेरी हम इस उपासना कर रहे हैं। हे दर्शनीय, तेरे लिए नमस्कार हो। मुझे देख, खान पान यश तेज और ब्रह्म वर्चस्व से मुझे युक्त कर। यही देव धाता विधाता अग्नि वायु रुद्र महादेव आदि हैं। ये अन्य देवता इसके अंदर हैं। ये एक निसंदेह केवल एक हैं, जो इसको एक जानता है वही तेजस्वी वर्चस्वी और खान पान आदि भोग से युक्त होता है। उसी से सब पदार्थ हुए हैं और सब पदार्थों में वही विद्यमान है। यज्ञ भी उसी से हुआ और यज्ञ में वही रहता है। वो बुरे और भले के पालन के लिए सब वनस्पतियाँ बनाता है। यही सब इसकी महिमा है। इसके सैकड़ों हजारों करोड़ों अरबों शरीर हैं। वो अमरों से और मृत्यु से भी महान है। सब शक्तियाँ उसी की हैं, अतः शक्तियों की उपस्थिति उसी में है। ऐसी उपासना उसी देव की सबको करना उचित है। अथर्व वेद के 13वें कांड का मनन। रोहित देवता अथर्व वेद के 13वें कांड का देवता रोहित है। इस रोहित का स्वरूप क्या है, इसका सबसे प्रथम मनन करना अत्यंत आवश्यक है। इस देवता के विषय के अथर्व वेद की सर्व अनुकामरणी ये निर्देश हैं। इस 13वें कांड का देवता ब्रह्म अध्यात्म रोहित आदित्य है। यहाँ आदित्य शब्द है कि जो देवता का निश्चय करने में सहायक हो सकता है। आदित्य का अर्थ सूर्य है। इस संपूर्ण कांड का विचार करने से पता लगता है कि यहाँ सूर्य ही देवता प्रमुख से वर्णित हुआ है। इस विषय के सूचक मंत्र भाग ये हैं। रोहित सूर्य, रोहिणी नक्षत्र, ये रोहित का घर है और ये रोहिणी रोहित के अनुसरती हैं। यहाँ आकाशस्थ रोहित का वर्णन है, अतः ये सूर्य परक है। द्वितीय सूतक के 24वें मंत्र साक्षात सूर्य परक हैं और 25वें मंत्र में ये तपस्वी रोहित दुर्लोक पर चढ़ता है ऐसा कहा है। अतः यहाँ रोहित शब्द पुनरावृत्त सूर्य के लिए ही है। यहाँ रोहित काल अर्थार्थ समय है ऐसा कहा है। सूर्य से काल होता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि दिन रात उसी से होते हैं और अन्यंत्र सूर्य का नाम काल आया है। रोहित यज्ञों का मुख है ऐसा कहा है। वो सूर्य ही है क्योंकि सूर्य उदय होने से यज्ञ का प्रारंभ होता है। रोहित यदु लोक पर तपता है, ये वर्णन सूर्य का स्पष्ट ही है और इसमें तपने का उल्लेख सूर्य का ही है, क्योंकि सूर्य के अतिरिक्त तपने वाला दूसरा कोई तेजस्वी पदार्थ इस जगत में नहीं है। आगे तृतीय सूतक के अंतिम मंत्र में कृष्ण वर्ण वाली रात्रि का पुत्र श्वेत रंग वाला हुआ। वो रोहित बढ़ता हुआ यदु लोक पर चढ़ा। इस वर्णन में तो ये स्पष्ट ही रोहित नाम सूर्य के लिए आया है। रात्रि का पुत्र सूर्य निसंदेह है, क्योंकि रात्रि के उदर में वो जन्मता है ऐसा अलंकारिक वर्णन अन्यंत्र वेद में भी है। इस तरह इस सूतक में रोहित शब्द से सूर्य का वर्णन मुख्यता है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। तथाप अग्नि का भी निर्देश इस रोहित सूतक में है। रोहित अग्नि, रोहित यज्ञ का उत्पादक है, अग्नि ही यज्ञ का उत्पादक है। ये बात सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। यद्यप सूर्योदय के पश्चात यज्ञ होते हैं, इसलिए सूर्य भी यज्ञ का उत्पादक माना जा सकता है और वैसा वो है भी, परंतु साक्षात अग्नि में आहुतियाँ होमी जाती हैं, इस कारण अग्नि भी यज्ञ का उत्पादक है। यही बात अन्य शब्दों से आती है। रोहित यज्ञ को बनाता है, ये अग्नि है इसलिए यज्ञ को बना सकता है। अस्तु, इस रोहित नाम का अग्नि भी है, अर्थात रोहित शब्द द्वारा जैसी अग्नि की वैसी सूर्य की भी कल्पना इन सूक्तों में स्पष्ट है। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। इन सूतकों के मंत्र देखने से कई मंत्र स्पष्ट सूर्य परक हैं ऐसा दिखता है, कई अग्नि परक हैं
ये बात भी अस्पष्ट है, कई दोनों के वर्णन परक हो सकते हैं। क्या ये बात है? सूतक पढ़ते पढ़ते बीच बीच में अग्नि और सूर्य के मंत्र मिलजुल कर आते हैं, ये बात पढ़ने वाले के ध्यान में आ सकती है। ऐसा क्यों है, इसका विचार करना आवश्यक है। वेद में अग्नेय पदार्थों का मुख्य केंद्र सूर्य माना है। अपनी पृथ्वी पर जो अग्नि है वो सूर्य का पोता है, विद्युत सूर्य का पुत्र है और विद्युत का पुत्र अग्नि है। अतः आलंकारिक भाषा में सूर्य का पोता अग्नि हुआ। अग्नि कैसा उत्पन्न होता है, ये प्रश्न यहाँ हो सकता है। इसके उत्तर में निवेदन है कि सूर्य की उष्णता से मेघमंडल में विद्युत मनती है। ये विद्युत सूखे घास आदि पर गिरकर अथवा वृक्ष पर गिरकर अग्नि उत्पन्न होता है। अतः ये अग्नि वास्तविक सूर्य का ही अंश है। वस्तुतः विचार किया जाए तो ये बात स्पष्ट व्यतीत होगी कि इस पृथ्वी पर अथवा इस सूर्य मलिका में जो भी कुछ अग्नि तत्व अथवा उष्ण पदार्थ किंवा उष्ण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, वो सब सूर्य के संबंध के कारण ही उष्णता देने में समर्थ है। अग्नि सूर्य से उत्पन्न हुआ, ये बात इससे पूर्व दर्शाई ही है। अब पाठक लकड़ी का विचार करें। लकड़ी जलाने से उष्णता उत्पन्न होती है, वो उष्णता कहाँ से आएगी? जो उष्णता वृक्ष सूर्य किरणों से प्राप्त करके अपने में संग्रहित करते हैं वो लकड़ी में होती है और जलने में वही प्रकट होती है। वस्तुतः ये सूर्य से आई हुई उष्णता है। इसी तरह लकड़ी का कोयला या भूमि के अंदर मिलने वाला कोयला, मिट्टी का तेल आदि जो जो पदार्थ उष्णता उत्पन्न करने वाले करके प्रसिद्ध हैं, उन सब की सब उष्णता सूर्य से प्राप्त होती है। कोई सूर्य से भिन्न अन्य पदार्थ नहीं है जो उष्णता दे सके। अतः सब अग्नेय पदार्थ सूर्य के ही विभिन्न रूप हैं। तीन अग्नि, पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में विद्युत, दूर लोक में सूर्य, ये तीन अग्नि हैं। देव में तीन अग्नि का वर्णन अनेक बार आया है। वे तीन अग्नि ये हैं, परंतु ये तीन भिन्न भिन्न नहीं हैं। ये सब एक ही अग्नि के रूप हैं और वो एक अग्नि सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य के ही रूपांतर होकर ये तीन अग्नि हैं। अतः कहा है वो सूर्य ही अग्नि और इंद्र अर्थात विद्युत है, क्योंकि सूर्य ही रूपांतरित होकर अग्नि और विद्युत बना है। इस प्रकार तीन पृथक अग्नि अनुभव में आते हैं, तथा वे विभिन्न नहीं हैं। एक ही सूर्य तीन रूप में दिखाई देता है। जब गुरुकुल में 8 वर्ष का बालक प्रविष्ट होता है, तब उसको संध्या के पश्चात अग्नि में हवन करने का उपदेश होता है। उस समय वो समझता है कि अपना उपास्य देव अग्नि है। वो श्रद्धा भक्ति से अग्नि की उपासना करता है और मन में सोचता है कि क्या ये अग्नि देव स्वतंत्र है। विचार करते करते उसके हृदय में वृष्टि काल में आकाश मंडल में चमकने वाली विद्युत आती है। यदि किसी समय वो विद्युत किसी वृक्ष पर गिरती है, उस समय वो वृक्ष जलता है। उस काल में गुरु उस शिष्य का समझाता है कि ये अपना अग्नि विद्युत से इसी प्रकार इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। पश्चात वो विद्युत को महादेव मानता है, परंतु पीछे अधिक विचार करने पर उसे पता लगता है कि ये विद्युत भी सूर्य से ही उत्पन्न हुई है। अतः वो उस सूर्य को ही महादेव जानता है। उस समय वो कहता है वही सविता धाता विधाता वायु वरुण रुद्र देव महादेव अग्नि सूर्य और महायम हैं। इस तरह इस सूर्य मलिका का कर्ता धर्ता अधिधाष्टता यही सूर्य है। इसका एकमात्र आधार ये सूर्य है। ये ज्ञान उस शिष्य को होता है, उस समय वो अपनी सूर्य उपासना गायत्री मंत्र से ही करता है। इस गुरु मंत्र का अर्थ इस समय वो ऐसा करता है कि उस समय सूर्य के बुद्धि को उत्साह देने वाले तेज का ध्यान करते हैं। ऐसा ध्यान करता हुआ वो सूर्य को अपने ब्रह्म वर्चस्व का आदर्श मानता है, अपनी तपस्या का वो नमूना मानता है।
अपने ब्रह्मचर्य का प्रतिरूप सूर्य में वो देखता है। आदित्य ब्रह्मचारी होने की उत्कंठ इच्छा वो धारण करता है। वो विचार करता है कि यदि सभी सूर्य मलिका इस सूर्य से ही बने हैं तो इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतु और उनमें से मैं स्वयं भी सब मिलकर इसी सूर्य के अंश हैं। सूर्य से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। अतः वेद कहता है कि जो सूर्य के अंदर पुरुष है वो मैं हूँ। सूर्य के साथ मेरा इतना घनिष्ठ संबंध है। सूर्य मेरा पिता है और मैं उसका अमृत पुत्र हूँ। जो इस आदित्य में सत्व है वही मुझ में है। मेरी परम गति आदित्य है और मेरा प्रारंभ भी आदित्य में ही हुआ है। यदि इसी आदित्य से जन्मा हूँ, मैं इसी आदित्य की शक्ति से जीवित हूँ और अंत में मैं आदित्य में ही मिल जाऊँगा। जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, होने पर भी जिससे जीवित रहते हैं, फिर जाकर अंत में जिससे मिलते हैं वो ब्रह्म है। ये सब ब्रह्म का लक्षण वो शिष्य इस सूर्य में सार्थ हुआ अनुभव करता है। क्योंकि सब भूत मात्र सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, सूर्य से पाले जाते हैं और अंत में सूर्य में ही मिल जाते हैं। ये अनुभव स्पष्टता दर्शाता है कि सूर्य ही हमारे लिए साक्षात ब्रह्म है। इस तरह विचार करता हुआ वो ब्रह्मचारी सूर्य को ही अपना उपास्य मानता है। इस समय उसके सन्मुख ये वाक्य आते हैं, जो ये सूर्य देखता है वो ब्रह्म प्रकाशता है। आदित्य ब्रह्म है ये आदेश है, आदित्य ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। जो मनुष्य में है और जो आदित्य में है वो एक ही है। जो हृदय में है और जो आदित्य में है वो एक ही है। यद आदित्य ही ब्रह्म है, अंधकार के परे रहने वाला ये आदित्य है, उसमें ब्रह्म प्रकाशता है और आदित्य में जो पुरुष है वही परमेष्टि आत्मा है। इस आदित्य में जो पुरुष है वो ब्रह्म है, ऐसी मैं उपासना करता हूँ। आदित्य का आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म तेजस्वी है और सूर्य के रंग का है। इस प्रकार अनेक वाक्य है जो सूर्य को ब्रह्म बताते हैं। ये वाक्य इस समय इस ब्रह्मचारी के सन्मुख आते हैं और वो आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है। जो ब्रह्मचारी अग्नि की उपासना करता है वही उस अग्नि के जनक विद्युत की उपासना करने लगता है। वही अब सूर्य को अपना आदर्श उपास्य मानता है, सूर्य को कर्ता धर्ता मानता है। वही सब तेजस्विता का केंद्र है, वही सबका धारक और आकर्षक है। सबकी आधीन रखने वाला वही एक देव है जो सब सूर्यमाला के ग्रहों और उपग्रहों को धारण करता है। वो उस सूर्यमाला के अंतर्गत पदार्थ मात्र को धारण करता है। उसके देव होने में क्या संदेह हो सकता है। अतएव अथर्व श्रुति में कहा है कि वही सविता धारण करने वाला और विशेष रीति से आधार देने वाला है। पूर्वोक्त उपनिषदों में इस आदित्य में ब्रह्म है ऐसे वचन अगाए हैं। इससे आदित्य का देह और उसमें विराजमान ब्रह्म है ये कल्पना व्यक्त होती है। मानो यहाँ सूर्य का दृश्यमान आकार ब्रह्म का देह है और उसमें व्यापने वाला ब्रह्म है। जैसा मनुष्य में देह और आत्मा है वैसा ही सूर्य में देह और परमात्मा है। अतः सूर्य में जो पुरुष है वो मैं हूँ। इस कथन का तात्पर्य सूर्य में मैं जो ब्रह्म और गोलक है उनका अंश मेरा आत्मा और देह ये है ऐसा स्पष्ट है। जो कुछ पृथ्वी पर बना है वो सूर्य के अंश का बना है। ये एक चार मान लिया जाए तो सभी चराचर पार्थिविक और अपार्थिविक वस्तु जो भी इस भूमि में है वो सूर्य से ही बनी है ये सिद्ध होता है। पूर्वोक्त प्रकार वो ब्रह्मचारी अपने मन में इन वाक्यों की संगति लाता है। ये विचार करता है कि वो एक है, एकमात्र एक है। सब देव इसमें एक रूप होते हैं। जो अग्नि विद्युत आदि विभिन्न देव हैं वह सब इस सूर्य देव में एक रूप हो जाते हैं। पूर्व स्थान में बताया है कि अग्नि विद्वत में मिला रहता है और उसी नियाते से विद्वत
भी सूर्य में एक होकर रहती है, अर्थात सूर्य में विद्युत और अग्नि में एक रूप होकर रहते हैं। इसी तरह ये पृथ्वी भी एक समय सूर्य रूपी ही थी। यदि ये पृथ्वी सूर्य का एक भाग थी तो उस पृथ्वी के सभी पदार्थ सूर्य रूप में ही, इसमें संदेह नहीं हो सकता। इस रीति से संगति लगाकर मनन करके वो ब्रह्मचारी सोचता है और विचार करता है, अनुभव कर लेता है, अपने मन की दौड़ लगाता है, कल्पना करता है और अपने मत निश्चित और निर्भ्रांत करने का यत्न करता है। निरंतर ध्यान करता है कि तू प्रभु है, तू महान है, तू उत्तम सत्ता और ज्ञान से युक्त है और तू ही सबको स्थान देता है। ऐसी हम सब मिलकर तेरी उपासना करते हैं, हम सब तेरी उपासना करते हैं। इस प्रयोग में सब मिलकर उपासना करते हैं। संघ द्वारा होने वाली ये उपासना है, केवल व्यक्ति द्वारा होने वाली ये उपासना नहीं है। ये संघ ब्रह्मचारी गुणों का गुरुकुल निवासी हो अथवा ग्राम या नगर वालों का हो, इससे कोई विचार में भिन्नता नहीं हो सकती। सूर्य ही सब सूर्यमाला के अंतर्गत वस्तु मात्र का प्रभु और कर्ता धर्ता है। वही सबसे महान है, वही सबको ज्ञान देने वाला है और वही सबका उत्तम रीति से निवास करने वाला है, ये निश्चित है। ये और मंत्र 46 से 56 तक के 11 मंत्र, इन मंत्रों के जो अनेकानेक गुण किए हैं, वह उपासना के समय सूर्य में कैसे घटते हैं, इसी का विचार उपासक करते हैं और अपने उपास्य की शक्ति अपने में धारण करने का यत्न करते हैं। जैसा मेरा उपास्य देव है, वैसा ही मैं तेजस्वी और कर्ता धर्ता बनूंगा। यही आकांक्षा उपासकों की सदा रहती है और सतत किए ध्यान से सफल भी होती है। वो हमारा उपास्य देव पुण्य आत्मा मनुष्य और पापी राक्षस के लिए सामान्यता गरजता, चमकता और ओले बरसाता और वृष्टि करता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, उसका प्रकाश सबके लिए समान रीति से आता है। वो पुण्य आत्मा के लिए प्रकाशता है और पापी के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो सबको ही अपने प्रकाश से मार्ग दर्शाता है। यहाँ ये मंत्र भाग देखकर उपासक भी कहने लगता है कि मैं भी सब मनुष्य मात्र की ओर अथवा प्राणी मात्र की ओर से समान भाव से अपनी दृष्टि रखूंगा, किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निष्पाद, अत्यंत जो चंडाल आदि सबकी सहायता संभाव से करूंगा। मेरा उपास्य सूर्य देव है और अपना प्रकाश सबको देता है, वही मेरा कर्तव्य बताता है, अतः मैं भी ऐसा ही करूंगा। संभाव रखना ही मेरा कर्तव्य है। सामाजिक आचरण में विषमता नहीं रखनी चाहिए। ये उपासना सामाजिक उपासना है। सब आवें और सम्मिलित होकर उपासना करें। जिन पर उस उपास्य सूर्यदेव का प्रकाश पड़ सकता है, वह सब इस उपासना में सम्मिलित हो सकते हैं। सब लोगों को तथा सब जगत को अंधेरे में हटाकर प्रकाश में लाने के लिए रात्रि और दिन के युग में इस सूर्यदेव का अवतार होता है। प्रत्येक युग में इस तरह इस देह का अवतार हो रहा है और यहाँ ये आकर हमें प्रकाश का मार्ग बताकर हमारी उद्धार करता है। यदि ये देव इस तरह युग युग में ना आवे तो सब जगत अंधेरे में रहेगा और जीव मात्र की स्थिति ही नहीं होगी। हम सबका जीवन उसी के प्रकाश के साथ संबंधित है। आहा, हमारे जीवन का आधार ये देव है, इसी की जीवन शक्ति से सबका जीवन हो रहा है। इस तरह इस जगत का आरेडर उसके संबंधित है। इस समय उपासक के सामने ये मंत्र आते हैं। इसी सूर्य देव से दिवस रात्रि अंतरिक्ष वायु धौ दिशा भूमि अग्नि जल मंत्र और ये यज्ञ होएंगे। यदि वो ना होता तो इनमें कुछ भी ना बनता। इनका कर्ता धर्ता यही हमारा उपास्य देव है। हे ईश्वरवान प्रभु, ये अद्भुत तेरा महिमा है।
ये सब सैकड़ों हजारों और करोड़ों या अरबों की संख्या में जो अनंत शरीर हैं, ये सब तेरे ही हैं। तात्पर्य तू ही इस विश्व रूप में अपने आप को ढालता है, क्योंकि भूमि भी तेरे से ही बनी और भूमि से सब पदार्थ बने हैं। अतः तुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। ये देव एकमात्र अकेला एक है। वो एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां वो नहीं है, क्योंकि वो एकमात्र अकेला एक है। सूर्यमाला में सूर्य का यही स्थान है, यही महत्व है और यही वैभव तथा ऐश्वर्य है। वही मृत्यु है, वही अमृत है, वही बड़ा देव है और वही रक्षक अथवा राक्षस है, वही रुद्र है। ये सब चलने वाले ग्रह नक्षत्र आदि तथा सब नक्षत्र और चंद्रमा भी उसी की आज्ञा में रहते हैं, क्योंकि सूर्य की आकर्षण में ये सब ग्रह हैं जो सूर्यमाला में विद्यमान हैं। सूर्य के आकर्षण का प्रभाव इन सब पर हो रहा है। ऐसा ये महान सूर्य देव सबको अमरपन देने वाला है और सबको मृत्यु देने वाला भी वही है। वही रुद्र है, वही राक्षस है, वही संरक्षक भी है, अर्थात वही सब कुछ है। सूर्य के ना होने से अथवा सूर्य के अतिताप से मृत्यु होता है तथा सूर्य का प्रकाश जीवन देता है, इसलिए वही अमरत्व देने वाला है। इसलिए इसी एक देव को ये नाम लगाते हैं। इस समय तक इसके नाम अमृत, मृत्यु, राक्षस, रुद्र ये आगाए हैं। इन नामों के अतिरिक्त इस सूतक में आए अब नाम देखिए। वो सविता, महेंद्र, धाता, विधर्ता, वायु, आर्मा, वरुण, रुद्र, महादेव, अग्नि, सूर्य, महायम हैं। इस सूर्य के ये नाम हैं। इंद्र, शाचीपति, विभु, प्रभु भी वही हैं। ये सर्व नाम उसी देव के वाचक हैं, अर्थात ये सब नाम उसी के गुण वर्णन कर रहे हैं। यदि ये सत्य है तो इन देवताओं के जो मंत्र हैं वह सब मंत्र इसी सूर्य देव का वर्णन करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तभी तो ये इसके नाम सार्थक, अनवर्थक और योग हो सकते हैं। इतनी कल्पना उपासना के मन में आते ही वह इन सब मंत्रों में इसका वर्णन देखता है और अपने उपास्य देव का महत्व जानता है और उसको मन में धारण करता है। वो यदुलेख के पीठ पर प्रकाशता है, उसकी किरणों से आकाश भर गया है। वो सब प्रजाओं का विशेष रीति से देखता है। ये सब वर्णन उपासक को प्रत्यक्ष है। सूर्य आकाश में प्रकाशता है, उसकी किरणों में आकाश भर गया है। वो सबको देखता है। ये सब सूर्य के विषय में प्रतिदिन मनुष्य को प्रत्यक्ष हो रहा है। इस तरह अपने उपास्य देव की महिमा उपासक जानता है और उसके विषय में अपने मन का आदर बढ़ाता है। इस कांड के पहले तीन सूतक मुख्यतः सूर्य के वाचक ही हैं। इनमें प्रमुखता जो मंत्र सूर्य का वर्णन करते हैं और जो विशेष प्रकार से ब्रह्मचारी के सन्मुख सूर्य का ध्यान करते समय आते हैं, उनका अब मनन करते हैं। हे बलवान सूर्य देव, उदय को प्राप्त हो। ये प्रार्थना सूर्य को लक्ष्य करके ही है। उसके साथ देखने योग मंत्र ये हैं। सूर्य के घोड़े सदा प्रकाश युक्त हैं, इसके रथ को सुख पूर्वक चलाते हैं। सर्वर्थ पवित्रता करने वाला सूर्य देव विविध रंग वाली प्रभा के साथ यदुलोक में प्रविष्ट होता है। हे सूर्य देव, तू उदय को प्राप्त होता हुआ मेरे शत्रुओं का नाश कर। प्रकाश के पोषक देव सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं। यदुलोक में प्रकाशित होने वाले सूर्य को सब देखते हैं। सूर्य यदुलोक में भूमलोक आदि सबको देखता है। सूर्य ही सब जगत का एकमात्र आँख है। वो यदुलोक पर आरूढ़ होकर विराजता है। हे सूर्य, जो पुरुष तेरे और मेरे बीच में विरोध करता है वो पापी है। इत्यादि मंत्र सूर्य का वर्णन स्पष्ट रूप से करते हैं और उपास्य देव का महत्व उपासक के अंतःकरण में स्थिर करते हैं।
इस प्रथम सूतक के अन्य मंत्र भी इन मुख्य मंत्रों के अनुसंधान से विचरने चाहिए। अब द्वितीय सूतक के मंत्रों में सूर्य का वर्णन कैसा गंभीर रीति से किया है सो देखिए। दृष्टि करने वाले नियमों से चलने वाले मानवों का निरीक्षण करने वाले सूर्य के तेजस्वी किरण उदय को प्राप्त होने के पश्चात बहुत ही चमकते हैं, जो अपने तेजस्वी किरणों द्वारा सब दिशाओं को प्रकाशित करता है। उस सूर्य देव की प्रशंसा हम करते हैं, उसके गुण गाते हैं। बड़े प्रभावशाली सात किरण तेजस्वी ज्ञानी सूर्य देव को उठाकर ले जाते हैं। यदुलोक भूलोक और अहोरात्र को निर्माण करके हे सूर्य तू जाता है, जिसमें दोनों सीमाओं तक तू जाता है, उस चलने वाले रथ के लिए स्वस्थित हो। बड़ी सात किरणें किवा गतिमान शव किरणें मुझको चला रही है। हे सूर्य तू ऐसे सुखदायी गतिमान उत्तम रथ पर चढ़। सूर्य ने स्वर्ण के समान चमकने वाले तेजस्वी किरण वेग के लिए अपने रथ को जाते हैं। उदय होने पर तू किरणों को फैलाता है और सब रूपों को प्रकाशित करता है। महीने का विभाग करने के लिए तुझे यदुलोक में रखा है। जो समुद्र के आश्रय से रहता है वो सूर्य प्राप्त करना चाहता है। यहाँ तक के सब मंत्र प्रायः सूर्य परक ही हैं। जो मंत्र यहाँ अधूरे दिए हैं उनके विशेष भाग पाठक पूर्व स्थल में देखें और उनके अर्थ का मनन करें। इससे यहाँ तक के सब मंत्र सूर्य के गुण गायन करने वाले हैं ऐसा स्पष्ट हो जाएगा। इसके आगे के 9 मंत्र ऋग्वेद के मंडल 50 में अगाए हैं और वहाँ भी इनकी सूर्य देवता ही हैं, अतः ये सूर्य का गुणवर्धन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कुछ मंत्र यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी दूसरे स्थान पर आगाए हैं और सर्वत्र सूर्य देवता के ही ये मंत्र हैं। इस कारण इनके संबंध का अधिक विचार करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इसके आगे के मंत्रों में सूर्य विषय के मंत्र देखिए। कभी आलस्य ना करने वाला ये सूर्य देव अपने किरण रूप आश्रों पर आरूढ़ होकर जाता है और इस जगत में छाया और प्रकाश में दो रूप बनाता है। किरणों से युक्त होने वाला ये विजयी सूर्य उच्च स्थान से चमकता है। सूर्य सबसे बड़ा है, सूर्य का महिमा बहुत ही बड़ा है। सूर्य देवलोक में अंतरिक्ष लोक में पृथ्वी में समुद्र में प्रकाशता है। सूर्य के ऊपर दिन और रात्रि अवलंबित है। देवों का झंडा जैसा अत्यंत प्रकाशमान ये सूर्य अंधकार को हटाता है और सर्वत्र प्रकाश फैलाता है। ये सूर्य ही अस्थावर जगम पदार्थों का जीवन है। आकाश में उच्च से उच्च स्थान से गमन करने वाले पक्षी के समान प्रकाश में तैरने वाले इस तेजस्वी सूर्य का प्रकाश हम सर्वत्र देखते हैं। ये सूर्य हमें दीर्घ आयु देता है। सूर्य ही समय है, सूर्य ही प्रजा का पति है। इस सूर्य देव ने अपने किरणों से भूमि और समुद्रों को प्रकाशित किया है। सूर्य हमारा मार्गदर्शक है, हम उसी के गुणगान करते हैं। ये सब मंत्र अस्पष्टता सूर्य के वर्णन परक हैं। यदि ये निश्चय हो जावे कि इनमें सूर्य का वर्णन है तो इनके बीच में मंत्रों में सूर्य स्तुति ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं हो सकता। अब तृतीय सूतकों में कुछ मंत्र देखिए। जल का धारण करने वाले सूर्य किरण नील वर्ण वाले आकाश की दिशा से ऊपर जाते हैं। वह जल के अर्थार्थ मेघों के स्थान को पहुँचते हैं। हे सूर्य जो आनंद देने वाला चंद्र प्रकाश है उसमें सूर्य के 7 किरण ही समर्पित हुए हैं। अर्थार्थ सूर्य के किरण चंद्रमा में जाकर वहाँ से जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो चंद्रमा कहकर प्रसिद्ध है। वही सूर्य जब अंतरिक्ष में होता है तब उसको सविता कहते हैं और जब मध्य में हो तपता है तो उस समय उसको इंद्र कहा जाता है। अर्थात 8 बजे से 10 बजे तक के सूर्य का नाम सविता है और 11 से 1 बजे तक सूर्य का नाम इंद्र है।
सूर्य रूपी पवित्र देव का प्रकाश आकाश में फैला है, जिसके किरण एक ओर यदुलोक को प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर भूमंडल की ओर वही विविध प्रकाश के साथ चमकता है। सूर्य के रथ को सात अश्व जोते हैं, अर्थात सात किरण है। कृष्ण नामक काले रंग वाले रात्रि का पुत्र ही वो प्रकाशमान सूर्य है, ये यदुलोक पर चढ़ता है। इस तरह तीनों सूतकों में जो मंत्र है वे सब सूर्य का वर्णन कर रहे हैं। इनमें कई मंत्र अत्यंत स्पष्ट हैं, कई अग्नि के विष में सूर्य का वर्णन करते हैं, कई विद्वत की विष में सूर्य का ही वर्णन करते हैं और कई स्पष्ट रूप से सूर्य का ही वर्णन करते हैं। पाठक इन मंत्रों का शब्दार्थ जो पूर्व स्थल में दिया है बारंबार देखें, मनन करें और मंत्रों के आशय को जानें और देखें कि यहाँ सूर्य की स्तुति किस तरह है। इस कांड की देवता आदित्य, रोहित और अध्यात्म हैं। आदित्य और रोहित ये नाम सूर्य के हैं। रोहित नाम अग्नि का भी है, परंतु अग्नि परंपरा सूर्य का पौत्र होने से सूर्य के साथ संबंधित है। अध्यात्म पक्ष में यही सूतक आत्मा के पक्ष में देखना चाहिए। इसका तात्पर्य व्यक्तिगत आत्मा के विषय में विचार करने पर व्यक्त भी सूर्य का ही अंश है, इसलिए जो प्राकृतिक अंश सूर्य में है वो ब्रह्म का तत्व सूर्य में है। वो अंश रूप प्रत्येक व्यक्ति में आया है, क्योंकि सूर्यमाला में जो अणु रेणु है वो सूर्य से ही आया है। इस तरह विचार जो इसके पूर्व बताया ही है वो ध्यान में लाने से व्यक्तिगत सूर्य की सत्ता का अनुभव प्राप्त होता है, यही सूर्य का अध्यात्म विज्ञान है। परमात्मा सर्वव्यापक और पूर्ण निराकार है, उसकी उपासना निर्विषय व्याधि आदि द्वारा होती है, परंतु हर एक मनुष्य प्रारंभ से अंत तक अमूर्त ब्रह्म की उपासना यथा योग रीति से कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। उदाहरण के लिए शब्द उपनीत बालक ब्रह्मचारी 6 या 8 वर्ष की आयु में अमूर्त ब्रह्म का ध्यान कैसे करे, इसके लिए ये असंभव है। ध्यान धारणा की सिद्धि के पश्चात ये उपासना होना संभव हो सकती है। ये निराल उपासना उन्नति की अवस्था में संभवनीय है, तब तक संभाल उपासना करने की अवस्था रहती है। उसमें अग्निहोत्री की अग्नि से बढ़ाता हुआ सूर्य उपासन करता हुआ उपासक अपनी प्रगति कर सकता है। ये सालंब उपासना का कांड के इन सब सूतकों में बताई है और इस उपासना के लिए सूर्य का निर्देश यहाँ किया है। निरुक्त आदि ग्रंथों में जहाँ देवताओं का निरूपण किया है वहाँ भी सब वेद के देवताओं के नाम सूर्य पर घटाने का ही यत्न किया है और देवता शत्रु असुरों के नाम मेघों पर घटाने का यंत्र किया है। यदि वो प्रकरण पाठक सूक्ष्म विचार के साथ जहाँ अनुसंधानीय करके देखेंगे तो उनको वही बात यहाँ दिख सकती है। इस सूतक में भी सूर्य के नाम में जो गिनाए हैं उनमें रुद्र, इंद्र, चंद्र, महेंद्र, सविता, आदित्य, धाता, विधाता, विधर्ता, पतंग, आर्यमा, वरुण, यम, महायम, देव, महादेव, एक एक व्रत, रोहिणी, सुपर्ण, अरुण इत्यादि नाम गिनाए हैं, अर्थात इन नामों के अनेक देवताओं के सूतकों से एक ही सूर्य देव का वर्णन होता है। ये बात इस रीति से स्पष्ट हो जाती है, सब अन्य देव एक ही सूर्य में मिल जाते हैं। इस तरह के वर्णन से अनेक देवों का भेदभाव सूर्य में नष्ट होता है, ये अस्पष्ट है। अर्थात अनेक देवताओं के मंत्रों से वेद में सूर्य का ही वर्णन है और वो उपासना के लिए ही है। पुराणों में भी सूर्य पर ही विष्णु का रूपक करके अनेक अवतारों का वर्णन और अनेक कथाओं के प्रसंग वर्णन किए हैं। श्रीमद् भागवत में भी प्रातःकाल सूर्य का ही नाम ब्रह्मा, मध्यम में सूर्य का नाम विष्णु और रात्रि के समय सूर्य का नाम शिव कहकर त्रिमूर्ति को सूर्य में ही बताया है। इस तरह सूर्य के
रूपक पर ही ब्रह्मा विष्णु शिव की अनंत कथाएं कल्पित है, ये बात वहां अस्पष्ट हो गई है। ब्रह्मा की पुत्री सावित्री, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिव की पत्नी काली, ये सब इस तरह सूर्य पर ही रूपक हैं। इसका संपूर्ण विवेचन करने से सहस्त्रों पृष्ठों का महाग्रंथ बनेगा। वैसा यहाँ बनाने का विचार नहीं है और वैसी यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ जितना दिव्य दर्शन किया है उतना इस वैदिक विषय के ज्ञान के लिए पर्याप्त है। वेद के अनन्यान वर्णन जैसे सूर्य पर घटते हैं, वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथ की कथाएं और इतिहास पुराण की कथाएं भी सूर्य पर रूप कलंकार से रचित हैं। यही बात यहाँ संक्षेप से बताना है। इसका अर्थ कोई ये ना समझे कि प्रत्येक पंक्ति सूर्य परक है, परंतु इतना ही समझे कि मुख्य कथा प्रसंग सूर्य पर अलंकार मानकर रचा गया है। उप प्रसंगों में विविध संचार हुए ही होंगे। इस तरह सब ग्रंथों के वर्णन मुख्यतः सूर्य परक हैं। इतना कहने से सबकी उपास्य देवता सूर्य हैं, ये बात सूचित होती है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किसी स्वतंत्र ग्रंथ में करेंगे। इतना ही यहाँ बताकर इस कांड का विवेचन यहाँ समाप्त करते हैं। बोध वाक्य। इस कांड में कई वाक अनन्यान रीति से विशेष उपदेश देते हैं, उनका विचार अब संक्षेप में करेंगे। प्रथम सूतक नंबर 1, हे बलवान अभ्युदय को प्राप्त हो, अपना अभ्युदय करो, कदाप अनवत ना हो। नंबर 2, इस सत्यनिष्ठ राष्ट्र में आवेश उत्पन्न कर, इस प्रिय राष्ट्र में प्रविष्ट होकर कार्य कर। नंबर 3, वो तुझे अपने राष्ट्र की उन्नति के हेतु उत्तम भरण पोषण के साधनों से युक्त करे। तू अपने राष्ट्र में राष्ट्रीय उन्नति के लिए उत्तम भरण पोषण के साधनों से युक्त होकर विराजमान हो। नंबर 4, अपना बल उन्नति के लिए प्रकट कर, उन्नति के ही कार्य में अपना सामर्थ्य लगा दो। नंबर 5, प्रजाजनों में उच्च हो, जिनमें तुम्हारी उत्पत्ति है, तू अपनी जाति में उन्नत हो, उच्च स्थान प्राप्त कर। नंबर 6, जल स्थानों औषधियों के उद्यानों गौवों चास्त पदों और दुपदों को यहाँ अपने देश में उत्तम रीति से रहने दो, ये रहें और उन्नति होवे। नंबर 7, तुम बड़े उग्र वीर भूमि को माता मानने वाले हो, सूर्य वीर सब अपने मात्र भूमि का सत्कार करें। नंबर 8, शत्रुओं का नाश करो। नंबर 9, बढ़ने वाले बढ़ें, जो उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं वह ना रुके, उनके मार्ग में रुकावट ना हो। नंबर 10, उन्नति के मार्ग को देखता हुआ तू यहाँ राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर रख। नंबर 11, तेरे राष्ट्र को इस परिस्थिति में उसी वीर ने लाया है, उसी का सम्मान करना तुझे योग्य है। नंबर 12, उसने शत्रु दूर भगा दिए और तेरे लिए निर्भयता की है। नंबर 13, तेरे राष्ट्र में दूध और घी भरपूर हो, ये पौष्टिक पदार्थ विपुलता में प्राप्त हो। नंबर 14, ज्ञान और दूध से पुष्ट होता हुआ तू अपने प्रजाजनों में और राष्ट्र में जागता रहे, कभी ना सो, जो राष्ट्र में जागृत रहकर राष्ट्र को उन्नति करने का यत्न कर। नंबर 15, जो प्रजाएं तप के लिए संगठित होती हैं उनकी उन्नति होती है। नंबर 16, जो प्रजाजन शुभ मनोभावना के साथ तेरे साथ सत्कार्य में प्रविष्ट हों, सब मिलकर शुभ कार्य करें। नंबर 17, तरुण कवि अनेक काव्य के रूपक बनाता है, अनेक रूपक निर्माण करता है। नंबर 18, अग्नि तीक्ष्ण प्रकाश के साथ प्रकाशता है। नंबर 19, मेरे गौओं का और वीरों का पोषण होता रहे। नंबर 20, वाणी कान और मन के साथ हवन करता हूँ, वाणी से मंत्रों उच्चारण, कान से मंत्र श्रवण और मन से मनन करता हुआ हवन करता हूँ।
नंबर 21, वो मुझे उन्नतियों के साथ समिति के लिए उन्नत बनावे। नंबर 22, उस यज्ञ से अनेक तेज मुझे प्राप्त हो गए हैं, यज्ञ से विविध तेज प्राप्त होते हैं। नंबर 23, वीर के साथ वो तुझे उन्नत करे, पराक्रम के साथ वो यज्ञ तुझे बढ़ावे। नंबर 24, हे वाणी के पति, पृथ्वी हमारे कल्याण करने वाली होवे, घर हमारे लिए सुखदायक होवे, बिछौने हम सबके लिए कल्याणकारी होवे। नंबर 25, यहाँ ही प्राण हमारी मित्रता में रहे, हम दीर्घ आयु हूँ। नंबर 26, हे परमात्मन, अग्नि तुझे आयु और तेज के साथ युक्त करे। नंबर 27, हे वाणी की अधिधाष्टता, मेरा मन सुविचार युक्त हो, गौशाला में गव्वे हो और हमारे घर में संतान हो। नंबर 28, सब शत्रुओं पर चढ़ाई करता हुआ आगे बढ़, सब शत्रुओं का नाश कर और उन्नत हो। नंबर 29, इस राष्ट्र को सत्य निष्ठा तथा आनंद प्रसन्न बनाओ। नंबर 30, विदुषी उत्तम वर्ण वाली तेजस्विनी बढ़ने वाली अनुकूल स्त्री वृद्धि का कारण होती है। नंबर 31, वैसी विदुषी अनुकूल स्त्री के साथ सब प्रकार के अन्य तथा बल प्राप्त करेंगे। नंबर 32, उससे सब शत्रु सेनाओं को परास्त करेंगे। नंबर 33, कभी लोग प्रमाद रहित होकर उसकी रक्षा करते हैं। नंबर 34, वेग वाले तेजस्वी घोड़े सदा उत्तम सुखदायी रथ को उत्तम रीति से चलाते हैं। नंबर 35, दूध और घी देने वाली गऊओं का विशेष रीति से तैयार कर, ये दोहने के समय हलचल न करने वाली उत्तम गौ हैं। नंबर 36, सबका कल्याण हो, शत्रु दूर हो जाएं। नंबर 37, जो मरे शत्रु है उन सबका नाश विजयी वीर करें। नंबर 38, जो शत्रु हम पर सेना के साथ हमला करते हैं उनको मारा जावे। नंबर 39, हम सब शत्रुओं को जलावेंगे। नंबर 40, हमारे शत्रुओं को नीचे करके दबा दे। नंबर 41, हमारे शत्रुओं को नीचे गिरा दो। नंबर 42, हमारे सजातीय शत्रु को व्यथा से युक्त कर, दुखी कर। नंबर 43, हमारे शत्रु निष्पक्ष क्रोध वाले होकर नीचे गिर जाएं। नंबर 44, मेरे शत्रुओं का नाश कर, शत्रुओं का पत्थरों से नाश कर, मेरे शत्रु अंधेरे में जावें। नंबर 45, बच्चे को ज्ञानवान होते हुए भी ज्ञान के साथ बढ़ाते हैं। नंबर 46, पृथ्वी राष्ट्र धन प्रजा और अमरपन की वृद्धि कर। नंबर 47, जो राष्ट्र पोषक वीर हैं उनके द्वारा तेरे राष्ट्र का उत्तम मन के साथ धारण होवे। नंबर 48, उसने मातृभूमि से कहा कि जो हुआ और जो होने वाला है वह सब तेरे लिए अर्पण हो जाएं। नंबर 49, ये पहला बना हुआ और बनने वाला यज्ञ हुआ, उससे बना ये सब जो कुछ चमकता है। द्वितीय सूतक। नंबर 50, भुवन के रक्षक की प्रशंसा करते हैं। नंबर 51, युद्ध में जाने वाले तुझे शत्रु ना दबावें। नंबर 52, कुशलतापूर्वक शीघ्र कठिन स्थानों पर परे जा। नंबर 53, तेजस्वी सुखदायी बलवान उत्तम चलने वाले सुंदर रथ पर चढ़। नंबर 54, एक ही ईश्वर ने यदुलोक और भूलोक बनाए हैं। नंबर 55, आलस्य छोड़ने पर ही प्रगति करता है। इस तरह अनेक उपदेश पर वाक्य इस कांड में है जो मुख्य देवता का वर्णन करते हुए अनन्यान बोध पाठकों को देते हैं। पाठक इस रीति से इस कांड का अध्ययन करे। विवाह प्रकरण। सत्य में मातृभूमि का उद्धार किया जाता है। सूर्य के प्रकाश से आकाश तेजस्वी होता है। सरलता के आदित्य अपने स्थान में स्थिर रहते हैं और सोम दुर्लोक के प्रकाश में आश्रय ले रहा है। इसी प्रकार ये वृद्ध वृत्त
सूर्य प्रकाश सरलता और धूर लोक अर्थात स्वर्ग के आधार से अपना जीवन क्रम चलाएं। सोम से आदित्य में बल आया और पृथ्वी का विस्तार हुआ है और नक्षत्रों में भी सोम ही तेज बढ़ा रहा है। इसी तरह ये बुधवार सोम आदि वनस्पति भक्षण कर अपने बल महत्व और तेज की वृद्धि कर रहे हैं। जब यज्ञ में सोम का रस निकलने लगते हैं तब सोम रस पीने का निश्चय सबको देता है, परंतु जिसको ज्ञानी सोम जन समझते हैं वो भिन्न ही है। कोई साधारण मुख्य उसका रस नहीं पी सकता। ये बुधवार उसी सोम रस को पीने का पुरुषार्थ करें। ये सोम जब पिया जाता है तब पुनः वृद्धि को प्राप्त होता है, ये नष्ट नहीं होता, क्योंकि प्राण ही इसका रक्षक है। जैसे क्रम से महीने आने से वर्ष उत्पन्न होता है, इसी तरह नए नए पत्ते आने से सोम बल्ली पूर्वत हरी भरी हो जाती है। ऐसे ही वधु वर संसारिक आपत्ति आने पर हताश ना हो, परंतु दुगुणित उत्साह से अपना जीवन व्यतीत करें। सोम सब प्रकार से सदा सुरक्षित है। आंतरिक और ब्रह्मा रक्षण साधनों से वो सुरक्षित हुआ है। इस सुरक्षित हुए दिव्य सोम का भक्षण कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ये वधूवर इसी तरह अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को किसी का भक्ष न होने दें। जब वधूवर के घर जाती है तब उसका मन ही उसका सिरोना और आँख ही अंजन होता है, अर्थात ब्रह्म साधन उसके सुख के कारण नहीं होते, उसके मन के भाव ही उसको सुख देते हैं। मानो उसके लिए ये सब आकाश का आकाश खजाने के समान प्रतीत होता है, क्योंकि पति का घर ही उसका सब सुख होता है। वेद मंत्रों से उस वधु की पितृगृह से विदाई होती है, उसी प्रकार सब मंत्रों से उसका पति गृह में खागत होता है। मंत्रों द्वारा पुनीत हुआ पति के घर का वस्त्र उस वधु का कल्याण करने वाला होता है। पति के घर के यज्ञ ही वधु के लिए भोग और वेद मंत्र ही उसके भूषण होते हैं। जो वधु की मंगनी के लिए जाते हैं वह मानो अष्टदेव होते हैं, और जो पहले बातचीत के लिए जाता है वो सबका प्रकाशक अग्निदेव ही है। जो वर है वो मानो सोम है, मंगनी करने वाले अश्विनी देव हैं और वधु का पिता सूर्य है। जो अपनी पुत्री को वर के हाथ में दान करता है वधु भी पति के विषय में मन में प्रशंसा के भाव रखती है। वधु वर की परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, जब वधु अपने पति के घर जाए तब वो रथ में बैठ कर जाए, उसको दो उत्तम बैल या घोड़े जोते हुए हों, संभव हुआ तो ये उत्तम श्वेत वर्ण के हों। वस्तुतः वधु का मन ही ये रथ है। ब्रह्म रथ की अपेक्षा वधु का मन ही ऐसा चाहिए कि जिस में ये रथ आदि ब्रह्म आडंबर कल्पना से ही पूर्ण हों। इस वधु के रथ के वाहक वेद मंत्रों द्वारा चलाए जाएं, साथ साथ सोमदेव मंत्रों का गायन होता रहे। ये वधु इसलिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए पति के घर जाती हैं कि इसका स्वर्ग का मार्ग सुगम हो, अर्थात पति पत्नी मिलकर ऐसा आचरण करें कि जिससे उनको सहज स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ये वधु पति के घर जाते समय जिस मनोमय रथ पर बैठती है उसके चक्र शुद्ध हों, यहाँ चाल चलन की शुद्धता और मनोरथों की पवित्रता वधु धारण करे ये सूचित की है। वधु का पिता वर को समर्पण होने के लिए गौरूपी दहेज पहले वर के स्थान पर पहुँचावे। वो पहले वहाँ पहुँचे और पश्चात विवाह हो। जैसा मेघों नक्षत्र में गौओं भेजा जाए तो फागुनी नक्षत्र में विवाह होवे। वधु की ओर से जो दहेज वर के पास ले जाना हो वो कोई दो सज्जन यहाँ दो अश्विनी देव अपने रथ में बैठ कर ले जावें, पूछ पूछ कर ठीक वर के स्थान पर पहुँच जाएं। यही वधु के रथ को वर के स्थान का मार्गदर्शन होंगे, इसलिए ये किसी योग्य स्थान पर ठहरे। वर की ओर से मंगनी करने वाले दो वैद्य वधु के पिता के पास कन्या की मंगनी करने के लिए जाएं, अन्य सब लोग उनको सम्मति देवें।
जैसा पुत्र पिता का आदर के साथ स्वागत करता है, वैसा उन मंगनी करने के लिए आए हुए का स्वागत वधु क्या पिता करे। सूर्या नामक सविता की पुत्री तीन चक्कों वाले रथ पर बैठकर अपने पति के घर गई थी। इस तरह वधु रथ में बैठकर पति के घर जाए, रथ के व्यक्त और गुप्त चक्कों को ज्ञानी लोग जाने। श्रेष्ठ मन वाले बंधु बांधुओं से युक्त सज्जन ही वर का पता देवे। वर का पता किसी हीन मनुष्य से कभी ना लिया जाए। जैसा फल अपने बंधन से मुक्त होता है, उसी प्रकार वधु अपने पितृ कुल से अपना संबंध छोड़ देवे, परंतु पति कुल से वधु का संबंध कभी ना छूटे। वधु का संबंध पितृ कुल से छूटे, परंतु पति कुल से कभी ना छूटे। पति कुल से संबंध होवे, परमेश्वर इस वधु को पति कुल में उत्तम पुत्रों से युक्त और उत्तम भाग से युक्त करें। विवाह होते ही कन्या वरुण के बंधनों से मुक्त होती है। सविता देव ने ही कन्या के वरुण के धर्म पाशों से बंधा होता है। कन्या का विवाह होते ही वो पति के घर सदाचारी और सत्कर्म करने वालों के घर पहुंचती है। पति का घर वधु को धर्म शिक्षा देने वाला बने। वधु का हाथ पकड़कर भाग्य का देव उसको पहले चलावे अश्नि देव रथ में बिठाकर विवाह के पश्चात पति के घर पहुँचावें। इस तरह वधु पति के घर पहुँचे, वहाँ पति के घर की स्वामिनी और सबको अपने वश में रखने वाली होकर रहे। ऐसी स्त्री हो योग प्रसंग में उत्तम सम्मति दे सकती है। इस धर्म पत्नी के संतान उत्तम सुख में रहें। ये धर्म पत्नी अपना गृहस्थ आश्रम उत्तम रीति से चलावे। ये धर्म पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहे। जब इस तरह धर्म मार्ग में गृहस्थ आश्रम चलाती हुई ये स्त्री वृद्ध होगी, तब ये योग सम्मति देने योग्य होगी। स्त्री पुरुष अपने ही घर में रहें, कभी विभक्त ना हों, अपने बाल बच्चों के साथ खेलें, अपने घर में आनंद मनावें और धर्मानुसार गृहस्थ आश्रम चलाते हुए संपूर्ण आयु का उपभोग लें। इन गृहस्थियों के बालक छोटी बड़ी आयु वाले अपनी शक्ति से खेलते कूदते हुए बड़े होकर समुद्र तक पुरुषार्थ करते हुए बले। एक ने सब जगत को प्रकाशित किया तो दूसरा ऋतु के अनुसार नवीन नवीन होकर उदय को प्राप्त हो। अर्थात गृहस्थियों के पुत्र अपने पुरुषार्थ से जगत को प्रकाशित करें। गृहस्थी लोग नए नए उत्साह से पुरुषार्थ करते हुए उपासनाओं को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान सबके मार्गदर्शक बने। यज्ञ में देवों का भाग उनको समर्पण करें और श्रमजन जीवन व्यतीत करते हुए संपूर्ण आयु का उपभोग लेवें। विवाह के उत्तम उत्तम वस्त्र विद्वान लोगों को दान दिए जाएं और उनको धन भी बांटा जाए। ये ब्राह्मण वधु को सुशिक्षा देवे। यदि वधु को उत्तम शिक्षा ना मिली तो ये वधु पति के घर प्रवेश करके सब कुल का विनाश कर सकती है। वधु के अधर्म आचरण से कुल का नाश होता है। पति कुल में वधु का अधर्म आचरण होने लगा तो खून खराब होता है। उस दुराचारी वधु की विनाशक वृद्धि बढ़ जाती है। उसके पति के संबंधी लोग जमा हो जाते हैं और इस प्रकार बेचारा पति बंधन में फंसता है। इसलिए कन्या को सुशिक्षा देनी चाहिए। स्त्री का वस्त्र पुरुष कभी ना पहने। यदि किसी ने पहना तो उससे पति का तेजस्वी शरीर भी शोभा रहित सा हो जाता है। एक वस्त्र धारी वाला होता है, दूसरा दुशाला जैसा चमकदार होता है, तीसरा ओढ़ने का वस्त्र होता है। इन वस्त्रों से वधु के रूप को सुंदरता लाई जावे। इन वस्त्रों के संबंध का योग ज्ञान ब्राह्मण गृहस्थियों को देवें, जिससे वस्त्रों के दोष दूर हो जाएं। एक अन्न त्रिड़ा को बढ़ाने वाला, दूसरा कड़वा, तीसरा सड़ा हुआ और चौथा विषयुक्त होता है। इस प्रकार के अन्न गृहस्थियों को खाने योग नहीं है। इस तरह की शिक्षा देने वाले ब्राह्मण को वधु की ओर से वस्त्र दिया जावे।